हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग गुड सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। बढ़िया। बढ़िया, आप बताओ सर। मैं भी बढ़िया बहुत सर, अच्छा हूँ जी, बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, एक बार अपनी ऑडियो जो है वहां से बंद कर लेना प्लीज, एक बार म्यूट कर लेना, ठीक है? और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दो, ताकि वन बाय वन फिर उसको हम डिस्कस करें, ठीक है? आपके वहां पे चैट बॉक्स होगा जी, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। सर चैट बॉक्स कहाँ से अपीयर होता है सर? चैट बॉक्स देखो आपके ना वहीं पे मोबाइल में साइड में आ रहा होगा, एक चैट का ऑप्शन वहां पे शो हो रहा होगा। सर इन कॉल मैसेज ऑप्शन आ रहा है, हाँ, इन वही है कॉल क्या? मैसेज पे। हाँ ओ हाँ माय वही वही गॉड वही आकाश। हाँ यस, तो वहीं से आपको मैसेज आपका टाइप करना है जी। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, वो एक बार अपने फटाफट अपने चैट बॉक्स में लिखने हैं, फिर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जी। ऑडियो किसी की होने प्लीज ऑडियो बंद कर लो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फिर एक बार फटाफट से। 5-6 बच्चों के मेरे पास यहाँ पे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। चिराग कह रहे हैं कि सर एग्जाम के टाइम में ब्लैंक हो जाए तो क्या करें? चिराग, यस सर। हाँ जी, आपने क्वेश्चन पूछा कि एग्जाम के टाइम में अगर ब्लैंक हो जाए तो क्या करें, हाँ सर। तो एग्जाम टाइम पहले तो ये बताओ ब्लैंक मतलब किस तरह से, कि अगर कुछ आता ही ना हो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, या मुश्किल लग रहा हो। जब भी एग्जाम पेपर आता है तभी सब आता है, लेकिन जब भी लिखने के टाइम पे वो सब भूल जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ एग्जीक्यूटिव के टाइम पे हुआ था। अच्छा, तो देखो उसका ना सॉल्यूशन सिर्फ एक है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या, देखो जब भी आप में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर रहते हैं ना, तो आपका माइंड जो है, जिस जो इस टाइम अभी आपका माइंड है ना, उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रेस आपका एग्जाम हॉल के अंदर होता है, आप ये बात समझ के जाना। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो ये एग्जाम ना तो 11वीं 12वीं के हैं, ना ये एग्जाम बीकॉम के हैं, और जब भी आप सीएस या प्रोफेशनल के एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, तो आपके माइंड में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और आपको ये लगेगा कि जो आता हुआ भी होगा ना, कई बार ये लगेगा कि वो आपने पढ़ाई नहीं हुआ या भूल चुके हो। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, क्योंकि जैसे आप एग्जाम हॉल के अंदर गए ना, आपको वहां पे काफी सारे बच्चे बैठे हुए दिखेंगे। अब जब काफी सारे बच्चे बैठे हुए दिखेंगे, होगा क्या, एग्जाम बटने स्टार्ट होंगे, एग्जामिनर क्या करेगा, वो क्वेश्चन पेपर देना स्टार्ट करेगा। आप विजुलाइज करना है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। अब जब उसने क्वेश्चन पेपर देने स्टार्ट की ना, 2-3 बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिला, अभी तक आपको मिला नहीं, और जैसे उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, तो उसके मुंह से एकदम निकल गया ओ भाई साहब या ओ माई गॉड। तो इट मीन्स हुआ क्या, उसको क्वेश्चन मुश्किल लगा, तो आपको भी ये दिल में घबराहट पैदा हो गई कि यार क्वेश्चन पेपर इस बार मुश्किल आया, जबकि मे बी वो क्वेश्चन आपको आता हो, बट प्रॉब्लम क्या है, उसके बोलने से आपका दिमाग खराब हो गया। और दूसरा कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है, अब एग्जाम स्टार्ट होने के बाद ना, एक बच्चे ने लेट्स टेक एन एग्जाम्पल शीट मांग ली, ये प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम आपका खराब करती हैं। अब जैसे एक बच्चे ने शीट मांगी ना, शीट उसने मांगी, दिमाग आपका खराब हो जाएगा, आपको ये लगेगा यार शीट उसने कैसे मांग ली, क्योंकि शीट तो कोई मेरे को लग नहीं रहा एक्स्ट्रा शीट लगेगी। अब शीट उसके मांगने के चक्कर में ना आपको प्रॉब्लम ही आ गई, कहीं मैं कम तो नहीं लिख रहा या कहीं मैं एग्जाम में गलत तो नहीं लिख रहा। अब बिना बात के आपका माइंड स्ट्रेस लेवल के अंदर आ गया। तो सिंपल से एक बात समझो कि जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर रहते हो ना, अपना माइंड ये क्लियर करके जाओ कि आप ही वहां पे बैठे हो, आसपास कोई भी नहीं है,
मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने विजुलाइज किया होगा कि वही पेपर जब आप एग्जाम रूम के अंदर बैठते हो और वही पेपर एग्जाम खत्म होने के बाद आप बाहर देखते हो ना, जमीन आसमान का फर्क आता है। मतलब जैसे ही बाहर आओगे ना, बहुत सारी बातें आपको ये लगेंगे, यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ठीक है। और एग्जाम हॉल के अंदर वही क्वेश्चन क्या लगता है, मुश्किल लगता है। रीजन बींग, क्योंकि आप दूसरों की तरफ देख रहे थे, उनका एक्सप्रेशन से आपने अपने एक्सप्रेशन कर लिया। तो मेनली जितने बच्चे भी एग्जाम देने जाते हैं, उसमें ब्लैंक होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप दूसरों को देख के अपना एग्जाम पैटर्न फॉलो करते हो। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हो, जिस भी रूम में आपका एग्जाम है, तो उस रूम में पहले तो ये समझो कि वहां पे कोई भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेरा एग्जाम है, मैं ही वहां पे बैठा हूं और ये मेरे घर का ही कमरा है, मुझे अकेले ही एग्जाम देना है, कोई आस पड़ोस में कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है ना सर, एग्जामिनर देखो बहुत क्लेवर है, एग्जामिनर आपसे खेलना जानता है, क्योंकि उसको पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, इनको स्ट्रेस और डिप्रेशन में लेके आना 2 मिनट का गेम है। तो वो गेम पता क्या खेलेगा, गेम ऑलवेज वो ये खेलेगा कि पहले कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना वो मुश्किल डाल देगा, और जैसे ही पहले कुछ क्वेश्चन मुश्किल डालेगा तो आपका माइंड स्ट्रेस लेवल में और आ जाएगा, आपको ये लगेगा कि भाई साहब ये तो पेपर मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, ठीक है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये टॉपिक तो मैंने पढ़े ही नहीं है, तो आपके माइंड में इतना स्ट्रेस लेवल होगा आप वहीं पे ना टीचर्स को गालियां देनी स्टार्ट कर दोगे, ये तो उसने वो नहीं कराया, ये उसने वो नहीं कराया, ये उसने वो नहीं कराया। सोच के बोलना, अब 3 घंटे का एग्जाम है, बिना बात के आपने स्ट्रेस लेवल में क्यों ले लिया, क्योंकि आपको पहले 10 क्वेश्चन मुश्किल लग गए। अब जब पहले 10 क्वेश्चन मुश्किल लगे, उसकी प्रॉब्लम पता क्या होगी, अगले 90 क्वेश्चन जो होंगे ना आपके, जो आपको आते होंगे, वो भी मुश्किल लगने स्टार्ट होंगे। रीजन बिंग, आपका माइंड स्ट्रेस लेवल में आ गया। तो सर ऑलवेज ये बात समझना, आपकी तैयारी से ज्यादा ना, आपकी तैयारी से ज्यादा आपका एग्जाम जो निकलवाएगा वो आपका माइंड होगा। जितना माइंड फ्रेश होगा, जितना माइंड में डिस्टरबेंस कम से कम होगी, उतना बढ़िया आपका एग्जाम निकलेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो मेरी 2-3 बातें मान लेना, जितने बच्चे इस टाइम सामने बैठे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है, एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक हो जाना, एग्जाम में एकदम हाथ पैर ठंडे हो जाना, एग्जाम देख के घबरा जाना, तो सबसे पहली बात आप ये सोच के जाओ उस कमरे में कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ मैं ही एग्जाम देने के लिए बैठी हूँ, मेरा ही एग्जाम चल रहा है, आस पड़ोस के जो भी लोग बैठे हैं मुझे नहीं पता उनका क्या है, ठीक है, और मैं घर के कमरे में अपना आराम से एग्जाम दे रही हूँ बिना टेंशन के, आप देखना आपका एग्जाम कितना बढ़िया होगा। दूसरी बात, जब कोई बच्चा शीट मांगता है, जब कोई दूसरा बच्चा ये बोले ओ माई गॉड पता ही नहीं एग्जाम कहाँ से आ गया, इतना मुश्किल एग्जाम कैसे बना, उसकी बातों को इग्नोर करना, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे ने सिलेबस अलग तरीके से रिवाइज किया होता है, वो हमें नहीं बताएगा कि एग्जाम कहां से है, क्योंकि हमने अपनी तैयारी अलग तरीके से की है, उसको इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो, वो जो कह रहा है उसको बोलने दो। तीसरी बात, जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर जाते हो तो कोशिश करो हर आधे घंटे के बाद ना पानी पिया करो, एक सिप चाहे पानी पी लो, क्योंकि पानी पीने से क्या होगा, स्ट्रेस लेवल एकदम कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि और जहां जहां स्ट्रेस लेवल कम होगा ना, गारंटी दे रहा हूं जो क्वेश्चन आपको कम समझ में आ रहा है ना वो आराम समझ में आना स्टार्ट होगा, ठीक है जी। और चौथी बात, जो जो क्वेश्चन देखने से मुश्किल लग रहे हैं गलती से भी, उसको पहले अटेम्प्ट मत कर लेना। मैं ये बात कह रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है सर, आप चाहे मेरी बात मानो या ना मानो, जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने यहां पे बैठे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बार दिसंबर में एग्जाम होंगे, मैं कह रहा हूं आने वाले जितने भी सालों में जब भी आप लाइफ में कभी एग्जाम दोगे, ऑलवेज ये बात ध्यान देना, 50% पेपर आसान आता है, 50% पेपर आसान आएगा, 50% मुश्किल आएगा, वैसे तो 70% आसान है, बट मैं कह रहा हूं 50% मुश्किल आ गया, बट जो 50% आसान पेपर है ना उसको आपको आइडेंटिफाई करना है वो पेपर कहां पे छिपा हुआ है, क्योंकि वो पूरा पेपर ना एक साथ नहीं होगा, एग्जामिनर ने बहुत क्लेवर मूव क्या किया होगा, वो क्वेश्चन अलग अलग जगह पे डाले होंगे, और जो बचा उसको आइडेंटिफाई कर गया और उसने पहले वो 50 क्वेश्चन कर लिए, गारंटी दे रहा हूं उस एग्जाम में आपके 70 मार्क्स आएंगे। क्यों? क्योंकि जो 50 नंबर का आपको नहीं आता ना, अगर 50 नंबर का हो गया, कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होगा कि उस मुश्किल 50 में से भी आपको 20-30 नंबर का आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एग्जाम की बातें होती हैं सर, आपको ना ये बातें लगती होंगी बेकार की, बट आपको नहीं पता माइंड गेम एक बहुत मैटर करता है एग्जाम देने के अंदर। हर बच्चा तैयारी पूरी करके जाता है, हर बच्चा अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ता। अच्छा एक बात मैं सोच के बताओ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं एक बार हैंड रेस करके बताना, कौन सा बच्चा दिसंबर के एग्जाम में फेल होने के लिए जाना चाहता है कोई ऐसा बच्चा कि कहता है मैं दिसंबर में फेल हो जाऊं? अच्छा कौन सा बच्चा आप में से ये नहीं चाहता कि मेरे एग्जामिनेशन ना आए, मतलब 60 से ऊपर नंबर ना आए, कोई ऐसा बच्चा है जो ये नहीं चाहता होगा? सब चाहते हैं। कौन सा बच्चा ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि मेरा ग्रुप निकले? सब चाहते हैं मेरा ग्रुप निकले।
सब चाहते हैं मेरा रैंक आए, सब चाहते हैं 60 में से ऊपर नंबर आए, सब चाहते हैं सब कुछ बढ़िया हो, बट फिर भी 10% बच्चे के साथ बढ़िया क्यों होता है, 90% बच्चों के साथ बढ़िया क्यों नहीं होता? आपने कभी इस बात को सोचा है कि हर बच्चा 100% बेस्ट देता है, एग्जाम हॉल से बाहर आता है कहता है पेपर ना मैंने पूरा किया है, ठीक है नहीं, पेपर मैंने पूरा किया है, फिर भी नंबर आते हैं 30, नंबर आते हैं 20। रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि वो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ना उसका माइंड जो है उसके सेंसेस में कई बार नहीं होता, उसके माइंड में इतना स्ट्रेस होता है ना, इतना स्ट्रेस होता है वो क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ ही नहीं पाता, और ये स्ट्रेस ना वो खुद क्रिएट नहीं करता, ये स्ट्रेस खुद क्रिएट नहीं करता, जो आसपास का माहौल है उसको जब वो देखता है तब वो क्रिएट होता है। आप कभी भी देखना सर, आप में से जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं अभी बोलूंगा ना कि आप 1 घंटा इस टॉपिक में मुझे सुना दो, मान लो जीएसटी का मैंने एक टॉपिक दिया, आईटीसी का पूरा चैप्टर रिवाइज करा दो, आप 2 मिनट में रिवाइज करा दोगे। और अगर वही टॉपिक मैं आपको सामने 100 लोग खड़े कर दूं जिनको थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में पता हो, गारंटी दे रहा हूं जो आपने मुझे सुनाया आप उनके सामने नहीं बोल पाओगे। रीजन बिंग क्या, आपके हाथ पैर कांपेंगे यार, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, यही सेम चीज एग्जाम के अंदर होती है। तो सबसे पहली बात चिराग, मैं दोबारा बोल रहा हूँ या सभी बच्चों को बता रहा हूँ, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ कुछ पॉइंट्स आपने जरूर नोट करने हैं। पहली बात, जिस कमरे में आपका एग्जाम होगा वहां कोई नहीं बैठा, वहां बैठे होंगे आपने ये सोचना है वहां कोई नहीं बैठा, सिर्फ मेरा एग्जाम है, मेरा कमरा है, मुझे अपने कमरे में आराम से एग्जाम देना है, जैसे मैं घर के अंदर बैठ के पढ़ती थी उसी वे के अंदर यहाँ एग्जाम दूंगी। दूसरी बात, हर आधे घंटे के बाद पानी पीना, ठीक है जी, उससे स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपके मन में सारी चीजें रिकॉल होंगी। तीसरी बात, कोई दूसरा कह रहा है पेपर मुश्किल है, कोई दूसरा शीट मांग रहा है, उससे आपकी जिंदगी का कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना, उसको अपनी शीट मांगने दो, उसको अपना एग्जाम मुश्किल बोलने दो, उसको अपनी सीट पे टापने दो, कूदने दो, आपको अपना आराम से बैठ के एग्जाम देना है, क्योंकि हमें नहीं पता उस रूम में और कोई भी है। और चौथी बात, सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन होंगे उसको देखो, उसको पहले करो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर मुश्किल क्वेश्चन पे आना, क्वेश्चन सिलेक्शन करना ही सबसे बड़ा टास्क है एग्जाम हॉल के अंदर, ये बात ध्यान देना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सबसे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप दिसंबर में एग्जाम निकालना चाहते हो तो आज ही चाहे पोस्टर के सामने चिपका लेना और कसम खा लेना आज ही कि एग्जाम हॉल से आने के बाद कभी भी क्वेश्चन पेपर में डिस्कस नहीं करूंगा, कभी भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करूंगा। जिस जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, गारंटी दे रहा हूं, जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया उसमें तो वो पास हो जाएगा, अगले वाले के अंदर फेल हो जाएगा। रीजन बिंग, क्योंकि हर बच्चे का आंसर कई बार अलग आता है, हमें लगता है हमारा गलत है, क्या पता उसका आंसर गलत हो, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, हमें क्या पता उसका आंसर, क्या पता हमारा ही सही हो। तो क्वेश्चन पेपर देने के बाद या तो फाड़ दो या मंदिर में रख दो, कोई भी डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर डिस्कस करोगे रिजल्ट आपका बहुत बड़ा खराब हो जाएगा, ठीक है चिरा? तो अब माइंड ब्लैंक तो नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है? तो आप में से मैं भी बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होगा, तो मैंने सबका एक साथ रिप्लाई कर दिया, उम्मीद करूंगा आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा एक और क्वेश्चन है, पूजा कह रही है कि सर मैं 5 बजे उठ जाती थी पर 15 दिन हो गए मुझसे नहीं हो पा रहा, उठ भी गई तो सरदर्द चालू होता है पर मुझे सुबह की ही आदत थी। पूजा कहाँ पे हो? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हाँ जी, तो आप सुबह 5 बजे उठ जाते थे, फिर 5 बजे की रूटीन कैसे टूटी? सर तबीयत ठीक नहीं थी, उसके अच्छा बाद वो रूटीन ही चेंज हो गया मेरा। अच्छा तो अब तबीयत सही है, हाँ सर। तो अब सुबह 5 बजे उठते हो तो क्या हेडेक की प्रॉब्लम आती है? हाँ सर, ऐसा बहुत थकावट आती है, दिन भर वैसा ही हो जाता है, फिर रूटीन तो पूरा चेंज हो गया है। अच्छा, वैसे वे नॉर्मली कितने बजे उठते हो? मान लो 5 बजे अगर आप उठने की ट्राई नहीं करते तो अभी तक नॉर्मली कितने बजे उठ रहे थे आप जब से रूटीन टूटा? 6:30 बजे उठती हूँ अभी सर। हाँ तो 6:30 बजे उठते हो ना, तो एक कोशिश करो 6:30 बजे की बजाय ना आप 6 बजे उठो, मतलब एकदम 5 बजे मत उठो, ठीक ठीक है? क्योंकि अभी 6:30 उठते हो, आप 6:15 बजे उठो, फिर आप 6 बजे ओके। उठो, ठीक है, फिर आप 6:45 बजे उठो, फिर 5:30 उठो, क्योंकि होगा क्या अगर आप 6:30 से डायरेक्टली 5 बजे उठोगे तो वो 1.5 घंटे की नींद आपका माइंड डिस्टर्ब करेगी। होगा पता क्या प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लो मैंने कल के सेशन में बच्चों को बताया था, मैंने कहा ऐसा किया करो आप ना, जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ, अब कई बच्चे के अंदर ना इतना मोटिवेशन आ गया होगा, मे बी आप में से कई बच्चों ने आज 4 बजे उठने की ट्राई भी की होगी, वो सब नालायक हैं, क्योंकि एकदम 4 बजे उठोगे ना आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी,
क्योंकि सिंपल सी बात है, जो बच्चा आप में से 10-10, 11-11 बजे, 9-9 बजे उठता है या 8 बजे उठता है, अगर वो 4 बजे उठने की ट्राई करेगा, तबीयत तो खराब होगी होगी ना। तो कभी भी ऐसा गैप नहीं लेके आना। होता क्या है, मैंने 4 बजे की रूटीन कैसे बनाई, मेरी रूटीन 7 बजे की थी, 7 से 6:30 हुआ, 6 हुआ, 5:30 हुआ, 5 हुआ, 4:30 हुआ, अब जाके मेरा टाइम 4 बजे है। कई बच्चे कह रहे हैं सर एक दिन ऐसा होगा मेरे ख्याल से आप सोना ही बंद कर दोगे, फिर आप 3:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 2 बजे, फिर 1:30 बजे, फिर आप 1 बजे सोओगे, 1:15 बजे उठ जाओगे। ऐसा नहीं है ना लायक, नींद तो जरूरी है। मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि सर हेडेक होता है, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं कि सर अगर हमारी नींद जल्दी खुल जाए ना, पूरा दिन सिर दर्द रहता है। उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि आपकी नींद में अगर आप ज्यादा टाइम गैप यूज कर लोगे, जैसे आपने बोला 6:30 उठती हूँ, तो आप 6:15 बजे कल उठो, आप देखना आपकी तबीयत को कुछ नहीं होगा। ओके सर, फिर आप 6 बजे की रूटीन बनाओ, इस तरह से उठो। और दूसरी बात, जितने बच्चे सामने बैठे हैं जी, एक बार ध्यान देना, अपनी रूटीन अब थोड़ी सी लास्ट के 30 दिन में चेंज कर दो, अपने खाने पीने में थोड़ा चेंज करो, ठीक है। ये बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो, घर की डाइट ही खाओ। जैसे मैंने कल भी कहा था, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, पानी मैक्सिमम हो गया, गर्म पानी हो गया, उसके गरारे करना डेली हो गया। इट मीन्स अगर आप हेल्थ पे ध्यान रखोगे ना, आपका पढ़ने का ही मन करेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ये किसी की स्क्रीन शेयर हो गई है, प्लीज इसको बंद कर दो। स्वाति, आपकी ना स्क्रीन मेरे ख्याल से शेयर हो गई है। हाँ ठीक है जी। अच्छा, अगला एक बच्चा कह रहा है केशव, सर एक स्ट्रेस है। हाँ केशव बोलो। हेलो सर। हाँ जी केशव। सर एक्चुअली मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, अच्छा तो मतलब मेरा ना सर जून 2018 में सीपीटी क्लियर हो गया था। अच्छा फिर मई 2019 फर्स्ट पढ़ता था, मतलब उसमें मैंने सिंगल देने का डिसाइड किया था। अच्छा तो सिंगल पता नहीं सर क्या हुआ, पहली बारी था, डर सा बैठ गया, फिर बीकॉम के भी पेपर क्लैश कर गए, समझ नहीं आया। तो मैंने ये सोचा कि मैं दोनों दे दूंगा नवंबर में। ठीक है। मैंने मतलब फॉर्म भी भरा हुआ था, 20 दिन पहले मैंने छोड़ दिया, तैयारी में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या था अच्छा मतलब समझ। हाँ फिर मैंने नवंबर में मेरे को लास्ट का 1.5 महीना मिला, मतलब कोचिंग सारा कंप्लीट हुई, 1.5 महीना मिला लास्ट में, फिर बंदा डामाडोल हो गया। मतलब फिर भी मैंने सेकंड दिया, सेकंड में भी 2 में एग्जम्पशन आ गई थी, अच्छा और मतलब 2 पेपर रहते थे। अच्छा अब मैंने सर नवंबर में देना था, अब एकदम लास्ट में हेल्थ इश्यू अराइज हो गया था थोड़ा, तो ऑप्ट आउट कर दिया। अब अच्छा ना सर माइंड में पढ़ते टाइम ना हमेशा एक बात रहती है कि दोस्त थे सारे, एक्चुअली सर सारे मतलब क्लास के टॉपर थे हम सारे, तो मतलब एक ग्रुप सा था, क्लास 12th में अच्छे मार्क्स थे, सबने यही सोचा हाँ यही करेंगे। अब सारे सर वो मई 2019 में निकाल गए, अच्छा कहीं ना एक माइंड के अंदर ना ऑलवेज रहता है कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, गिल्ट रहता है कहीं ना कहीं, 2 साल वेस्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, मतलब पढ़ने बैठता हूँ ना इतना फोकस नहीं हो पाता, हमेशा माइंड में यही चीज चलती रहती है। देखो पहली बात तो ना आप ये समझो कि ये आप में से, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, बट मेरी जो सामने बच्चे बैठे हैं उनके माइंड में, बहुत सारे बच्चों के माइंड में इशू रहता है, उनके माइंड में ना नॉर्मली आपके माइंड में इशू क्या रहता है कि यार हमारा ना एक ग्रुप आया था एक साथ, और होता क्या है, अब देखो सिंपल सी बात है, आप जो कोर्स कर रहे हो ना, चाहे वो सीए है चाहे वो सीएस है, कभी भी ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि इंस्टीट्यूट कभी भी ग्रुप में एग्जाम नहीं निकालेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 8 बच्चों का ग्रुप है तो वो 8 के 8 बच्चे ही एक अटेम्प्ट के अंदर पास होंगे, वो रेयरली होगा, 100 में से 5% ऐसा होगा कि ऐसा हो जाए कि इतना इंटेलिजेंट ग्रुप हो कि वो 8 के 8 बच्चे ही निकल जाए। बट होता क्या है कि या तो क्या होंगे, 4 बच्चे पहले निकल गए, या 3 बच्चों को पहले हो गया, उसके बाद फिर 2-3 बच्चे होंगे उसके बाद उनके निकलेंगे, तो जो बच्चे बाद में निकलेंगे ना उनके माइंड में आते हैं मेरे दोस्त आगे बढ़ गए, ठीक है। और अब ध्यान रखना, आप में से भी कई बच्चों के होता होगा, जैसे कईयों को एक अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, तो उनके माइंड में कई बार पता है क्या आता है कि यार मेरे दोस्त तो आगे निकल गए, वो प्रोफेशनल के अंदर पहुंच गए या वो फाइनल के अंदर पहुंच गए, और मैं तो अभी तक यहाँ पे हूँ, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपके माइंड में ये जब चीजें आएंगी ना, तो आपका पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात ना ये सोचो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है जी। और दूसरा ये बात समझ के चलो कि अगर वो आगे हैं या अगर वो पिछला अटेम्प्ट निकाल गए, अभी तक हमारा नहीं निकला, तो ये गारंटी नहीं है कि वो आपसे पहले सीए बन जाएंगे या आपसे पहले वो सीएस बन जाएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपका वो एग्जाम निकल जाता है, जैसे सब मे बी आप में से जब जितने बच्चे सीएस के हैं वो दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई बच्चों का जून में एग्जाम निकल गया हो दोस्तों का, और आपका आप दिसंबर में हो, आपको बड़ा दिक्कत फील हो रही हो, अब वो आपको लग रहा होगा कि वो तो आपसे पहले निकाल गए। तो पहली बात तो ये समझो कि
कि अगर आपका दिसंबर में एग्जाम निकल जाता है तो क्या पता, ध्यान रखना, क्या पता आपका प्रोफेशनल उनसे पहले निकल जाए और उनका प्रोफेशनल बाद में निकले। ये कोई जरूरी नहीं है सर, हर पर्सन की लाइफ अलग अलग है। तो पहली बात तो कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दो, आपके माइंड में थॉट्स आना ही नहीं चाहिए कि यार वो तो आगे निकल गया, ये तो ऐसा हो गया, मैं अभी तक यहाँ पे हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये पहली बात, जहां ये थॉट्स आएगा ना, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप बिल्कुल डाउन होते जाओगे। तो मैं हर बच्चे से ये बात बोलूंगा जी, आप पहली बात तो कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दो। हर एक पर्सन की लाइफ अलग अलग है, उसकी जिंदगी अलग अलग है, हर एक पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। अपनी प्रॉब्लम को उनसे कंपेयर मत करो, ठीक है, और अपने आपको उनसे कंपेयर बिल्कुल मत करो, ठीक है। आपने जब भी एग्जाम देने हैं, अगर मई 20 में एग्जाम देने हैं, आपका टारगेट बस ये हो कि मुझे मई 20 में निकालना है, बस ये टारगेट हो। ये टारगेट ना हो कि यार मेरे दोस्त मेरे से 1 साल पहले चले गए, आप उसको छोड़ दो, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है जी। बस आपको देखना है कि जब मुझे एग्जाम देना है ना, अब मेरा जब एग्जाम है उसमें मुझे निकालना है बस, ठीक है। तो कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि जहां जहां कंपैरिजन करोगे ना, प्रॉब्लम आपको ही होगी, आपकी पढ़ाई नहीं होगी जी। और आपका एक अटेम्प्ट इस चक्कर में और गलत हो जाएगा, फिर आपको ना और स्ट्रेस फील होगा, यार अब तो 1.5 साल पीछे हो गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे 2 साल हो जाएगा। रीजन बींग, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो, और अगर वही आपने पढ़ाई के बारे में सोचा होता ना, आपका टाइम निकल जाता, ठीक है जी। चलो इधर एक सेकंड रुको, एक बच्चे का ना बहुत बढ़िया डाउट मेरे पास यहाँ पे आया है। भूपेश, भूपेश आपका क्या डाउट है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली क्या, यहाँ पे अक्टूबर में मेरा जैसा आपकी तरह ही हाथ फ्रैक्चर हो गया था सर। 7 तारीख को मेरे प्लस 7 तारीख को मेरा प्लास्टर लग गया था। अच्छा, उसके बाद सर थोड़ा सा बॉक्ड आउट तो हो गया था कि अब क्या करूँ क्या करूंगा, लेकिन किसी तरह अपनी सपोर्ट लेके किसी तरह पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी है। सितंबर से स्टार्ट किया था सारा कुछ, दोनों ग्रुप मुझे सर, मैं ओल्ड सिलेबस का हूँ तो मुझे दोनों ग्रुप जो दिसंबर में देने थे, पहले जून में देने थे, तो वो क्या नाम ऑप्ट आउट होकर आ गया हो गया था। तो सर जैसे फिर इधर ये लास्ट ईयर से लग गया, तो फिर उसमें हैम्पर होने लगा, क्योंकि टैक्स पड़ रहा, टैक्स फिर रुकने लगी, फिर मतलब सारे सब्जेक्ट रुक गए ऐसे ऐसे करके। फिर किसी तरह समझाया, किसी तरह अपने आप को संभालो, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट की। तो फिर सोचा कि सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ, खत्म कर लेता हूँ, उनका रिविजन करके रखता हूँ, लास्ट टाइम में टैक्स कॉस्ट और जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लगा दूंगा। अब सर जैसे एंड टाइम आ रहा है, तो अभी भी सर मेरा प्लास्टर निकला नहीं, क्योंकि 5 हफ्ते का लगना, 6 हफ्ते का लगना, तो 15 तारीख को लगा, 7 तारीख से स्टार्ट हो गया था कच्चा प्लास्टर लगा, 15 तारीख पक्का लग के। अब सर 30 तारीख या फिर मेनली अभी कल जाना है, कल शायद मे भी निकले ना निकले उसका कुछ पक्का नहीं है। तो वैसे तो सर सारा कोर्स कम्प्लीट कर दिया, 5 सब्जेक्ट मैंने, 7 सब्जेक्ट है जैसे, तो 5 सब्जेक्ट मैंने पूरे कम्प्लीट कर दिए, उसमें सिर्फ रिविजन बाकी, बाकी 2 बचे हैं। तो जैसे कॉस्ट और टैक्स, और टैक्स सर कहीं आज तक सर टैक्स क्लास नहीं से की नहीं, तो जितनी क्लासेस आप डालते हैं उसी से पढ़ता हूँ सर। तो आपकी समरी नोट्स की बुक भी मैंने अपने पास मंगा ली थी, उन्हीं से अभी टीएससी चल रही है, जीएसटी पढ़ रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है। लेकिन सर, लेकिन सर वही चीज है कि अब जैसे उतना टाइम मुझे ऐसा लगता है जब टैक्स और कॉस्ट पढ़ता हूँ तो 10 घंटे भी उसमें लगते हैं, बाकी 13 घंटे फिर इधर लग जाते हैं, और थोड़ा फैमिली इशू के चलते थोड़ा मैं यहाँ पे ट्यूशन भी देता हूँ अपनी, तो 12-13 घंटे की पढ़ाई तो चले जाते हैं। लेकिन सर वो लास्ट के जब रिवीजन टाइम आता है, तो वो मतलब जब यहाँ पे अभी रिवीजन 10 घंटे पढ़ने के बाद टैक्स और कॉस्ट पढ़ने के बाद जब रिवीजन करने पड़ते हैं, तो रिवीजन बहुत जरूरी है, तो रिवीजन टाइम में सर बहुत बॉक्ड आउट होने लगता हूँ सर कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई है इतनी, क्योंकि चाहे चाहे कॉस्ट ले लीजिए, टैक्स ले लीजिए, क्या कंपनी अकाउंट ले लीजिए, उसमें सर हैंड वो इसके हाथ की प्रैक्टिस चाहिए सर, और हाथ अभी उतना हुआ नहीं है। और अभी ऐसा लगता है कि अगर अभी कल भी निकल जाएगा तो हफ्ता या 10 दिन लग जाएगा उसको पूरा रनिंग आने में। तो सर बीच में बहुत ज्यादा बॉक्ड आउट होता हूँ, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि अरे नहीं होगा क्या होगा, तो सर बहुत ज्यादा इन्फेरिटी वो होता है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है, जैसे आपके आपने बोला कि अभी तक आपके हाथ में फ्रैक्चर है, तो अभी आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हो, जैसे आपने बोला कि सर मैं अपनी तैयारी पूरी कर रहा हूँ, कहीं की ना ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो बंद कर लो वहां से ना, कि मैं अपनी तरफ से तैयारी पूरी यहाँ पे कर रहा हूँ, बट मुझे कई कई बार ये फील होता है कि मतलब मैंने प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं की। देखो सिंपल सा बात है, अगर मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, अब ध्यान सुनना, मेरे हाथ में ये फ्रैक्चर है, अब मुझे yes, पता है कि इस हाथ से मैं बिल्कुल लिख नहीं सकता, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं काम करना बंद कर दूं, मैं आराम से अपना लेट जाऊं जी, मेरे हाथ में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो मैं आराम से रिलैक्स फील कर रहा हूं। आपने ऐसा तो किया नहीं। नो सर। अब आपको पता भी मैं 10 घंटे की क्लास देख रहा हूँ, सब कुछ तैयारी कर रहा हूँ, और जिस दिन ये फ्रैक्चर खत्म हो जाएगा ना, तो उस दिन के बाद के आपके 5 या 4 दिन ऐसे होने चाहिए कि अब मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है पास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं,
ठीक है, बार बार देखो, बार बार ना आप में से कई बच्चों के माइंड, मैंने कल भी कहा था कि आपके माइंड में अगर ये थॉट्स आ रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो आपका ये थॉट्स ही नेगेटिव बन रहा है ना, और नेगेटिव थॉट होगा तो नेगेटिव ही एनर्जी पैदा होगी। तो आपको ये बार 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 थॉट नहीं लेके आना कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा, फेल होगा तो क्या होगा। तो भैया अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर यही सोचोगे फिर तो फेल ही हो जाओगे। नहीं एक्चुअली सर, ये बात ये भी है कि जैसे मेरा, जैसे अभी आपने ग्रुप पहला वाला था उसका तो आंसर मिला कि एक ग्रुप था हम लोग का पूरा, तो सारे या तो किसी ने छोड़ दिया तो एक आध आगे निकल गए, तो सर मुझसे छोड़ा नहीं किया, तो मैं लगा हुआ हूँ, लगा रहा हूँ, और आप अभी लास्ट बस में मैं अपना 100% दे रहा हूँ, और आप फिर भी बीच बीच में ऐसा देखता है कि जैसे आप बोलते हो कि पेरेंट्स का चेहरा देख लो तो उनसे उसे मोटिवेशन मिलता है, वो हाँ सर उससे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सर जब बीच बीच में जब जैसे रिविजन ही करना रहता है तो ऐसा लगता है रिविजन नहीं कर पाया एक दिन। अब कल सर जैसे कल की बात बताता हूँ, कल मैं 3 साढ़े 3 तक पढ़ाऊँ, उसके मतलब 3 साढ़े 3 तक अपनी नॉर्मल पढ़ाई, फिर रिविजन का हुआ तो वैसा लगने लगता है यार अब ये पता नहीं साइंस से दिमाग लगेगा नहीं रिविजन, अब वो चीज आएगी कि नहीं आएगी याद आके, तो वो चीज वो वो बॉग्ड आउट, मत फिर वो बॉग्ड आउट हो जाता है। देखो, वो ये ना, वो ये मत सोचो कि आपने मान लो 10 घंटे पढ़ाई की और 10 घंटे के बाद आपने ये मत सोचो यार ये मेरे को एग्जाम में याद आएगा नहीं आएगा, 100% आएगा। अगर आपने 10 घंटे पढ़ाई सही ढंग से की है, अपना माइंड पूरा यहाँ पे लगाया है ना, तो मैंने गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम में 100% आपको याद आएगा। ये मैंने बात मैंने कल भी कही थी कि आपको ये लगेगा कि यार मैं ना भूल रहा हूँ या मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने सही तरह से पढ़ाई की है, ठीक है, आपने वो 10 घंटे आप वहां पे थे जिस टाइम आपके सामने बुक्स थी, तो गारंटी है कि आप एग्जाम में भूलोगे ही नहीं, ठीक है। और बीच में ना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप इस मतलब इसको दोष देने की जरूरत नहीं है कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया तो मतलब मैं उतना बेस्ट दे नहीं पाया जो मैं बेस्ट दे सकता था। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज होनी है वो टाइम टाइम होनी है, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको मैंने कल भी कहा था सर, आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने कल, मैंने शायद बताया था नहीं बताया था, मेरे हाथ में फ्रैक्चर कैसे हुआ, मैं अपने घर की 10 मीटर की दूरी पे था, सिर्फ सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे था। मतलब मानोगे नहीं, मेरे घर का एंट्री गेट मुझे सामने दिख रहा है और 10-20 मीटर पहले मैं साइकिल से गिर गया हूँ, अनबैलेंस हो गया और हाथ नीचे लगा, फ्रैक्चर हो गया। अब अगर मैं ये सोचने बैठ जाऊं यार काश मैं साइकिल लेके न जाता, या काश मैं 20 मीटर घर दूर था मैं पैदल चल लेता, ठीक है, अब काश मैं ये करता, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। अब डॉक्टर ने बोला भाई 45 दिन आपका प्लास्टर लगेगा, तो इस 45 दिन में इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैटर करता है। अब मैं ये रो नहीं सकता कि अगर ये ना होता तो क्या होता, मैं साइकिल लेके ना जाता तो क्या होता, वो तो बिल्कुल बेकार की बातें हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझो कि जितना टाइम आपके पास है उसमें अपना बेस्ट दो। जिस दिन फ्रैक्चर उतरेगा ना, उससे अगले आने वाले कुछ दिन आपने प्रैक्टिस करनी है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की, आपको कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर, भूपेश। जैसे आपके जीएसटी की और क्या नाम है इनकम टैक्स की मैंने समरी बुक मंगा ली थी, क्योंकि मैंने आपको सर जैसे बताया कि कभी मैंने वो हुआ नहीं, मैं आरसीएस की मॉड्यूल पढ़ता था, बाकी जो अपडेट आपके अमेंडमेंट देख लेता था, तो सर इतना सफिशियंट है ना टैक्स के लिए कि मतलब कि मैं इसको देख ले रहा हूँ और आपकी जीएसटी पूरी पढ़ी ये पढ़ी ले रहा हूँ, इनकम टैक्स पूरी 18 घंटे की देख ले रहा हूँ, तो इतना सफिशियंट सर ना, बाकी फिर जब आपने बताया तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस उस टाइम पे कर लूंगा देखो जैसे ये सिंपल, उतरेगा। मैं एक सिंपल सा आंसर दूंगा सभी बच्चों को। मैं आप देखो, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं, और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने बच्चे मुझे नहीं पढ़े, और मे बी जो बच्चे क्लास लेते हैं, मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि मतलब अगर आप मुझसे क्लास नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टीचर से लेते हो सब बढ़िया है। बट हमेशा एक बात ध्यान देना, बिना 3 टाइम्स रिविजन के अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप एग्जाम में फेल होने की तैयारी के लिए जा रहे हो, पास होने की तैयारी के लिए नहीं जा रहे। मतलब कम से कम भी 3 रिवीजन चाहिए, और वो भी एक ही बुक की या मैक्सिमम 2 बुक की। अगर आप तीन तीन बुक रेफर कर रहे हो, चार चार बुक रेफर कर रहे हो, तो गारंटी है आपके 40 से ऊपर नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आपको ना मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने पता नहीं कोई वीडियो देखी थी या मैंने कहीं सुना था, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे एग्जाम्पल को ना बहुत समझना, ध्यान से कहना क्या था, तो मे बी आपके अंदर फिट हो जाए, बहुत सारे बच्चों के अंदर। आपने वो नाम सुना अमीर खुसरो का, कौन थे नो वो, सर, कोई बताएगा, किसी को पता हो कुछ? नहीं पता, पोएट थे बहुत बड़े। चलो वेरी गुड। अच्छा बहुत बढ़िया। और एक आप में से अगर किसी को पता हो जो तबला बजाने वाले मास्टर हैं, एक पर्सन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, उन्होंने नाम सुना उनका आपने? जाकिर हुसैन जी सर, ठीक है, अब प्लीज ध्यान सुना, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। अब जाकिर हुसैन के पास कोई एक पर्सन गया, ठीक है, मैंने शायद कहीं सुना था या मैंने कहीं पढ़ा था। अब जाकिर हुसैन के पास एक पर्सन गया वहां पे, तो उसने पूछा जी मुझे ना तबला, मतलब उसको तबला सीखना था कि मुझे ना तबला सीखना है। उसने ना पहले 1 साल या 1.5 साल कहीं तबला सीखा हुआ था,
अब उसने 1-1.5 साल पहले कहीं तबला सीखा था, उसको वहां मजा नहीं आया जी, तो उसने कहा अब मैं जाकिर हुसैन साहब के पास जाता हूँ, वहां तबला सीखूंगा, वो तो सबसे बड़े मास्टर है तो मुझे तबला सिखाएंगे। चलो जी उनके पास चला गया। अब जब उनके पास गया तो उन्होंने जाकिर हुसैन साहब से बोला जी मैंने 1-1.5 साल तबला सीखा है, मुझे वहां मजा नहीं आया, तो अब मेरे को आप तबला सिखाओ। तो जाकिर हुसैन साहब ने कहा जी सिखा देंगे। अब उसको सिखाने में उन्होंने बोला जी आपको 4 से 5 साल लगेंगे और 4 से 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो उसने कहा जी बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इतना टाइम लगा दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा, चलो जी ये डील डन हो गई। उसी टाइम वहां पे क्या हुआ, एक पर्सन और आ गया, उसने बोला जी मतलब सर मुझे भी तबला सीखना है और मैंने पहले कभी तबला सीखा नहीं है, तो मुझे तबला सीखना है तो आपसे सीखना चाहता हूँ, बताओ कितना टाइम लगेगा और क्या लगेगा। तो उन्होंने कहा जी आप 1 साल लगेगा, 1 साल में आप तबला सीख जाओगे और 1 लाख रुपए आपके लगेंगे। अब दूसरे वाला बंदा कह रहा है यार अजीब है, मतलब मुझे कह रहे हैं भाई 4 से 5 साल लगेंगे और 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे, उसको कह रहे हैं भाई 1 लाख रुपए लगेगा और 1 साल में तबला सीख जाएगा। उसने बोला कि साहब मैंने क्या गलत किया आपके साथ कि मैं तो पहले 1.5 साल सीखा हूं। तो जाकिर हुसैन साहब ने बोला जी मैंने 4 साल और 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा ना इसलिए बोले हैं क्योंकि जो आपने 1.5 साल पहले सीखा उसको मुझे भुलवाना पड़ेगा, पहले उसको भुलवाना पड़ेगा, आपका माइंड मुझे ब्लैंक करना पड़ेगा, तभी आपको मेरे से तबला आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है। रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि आप जब 4-5 बुक लेके पढ़ते हो ना, आपके मन में सारी बुक्स होती हैं। अब जब सारी बुक्स इतनी भरी होंगी, गारंटी दे रहा हूं आप किसी एक बुक को भी समझ नहीं पाओगे। सर ये बहुत बड़ा, आप में से बहुत सारे बच्चे इस एज में हैं जो इन बातों को नहीं समझ पाते, बट जब माइंड में 100 थॉट्स होंगे, उस 100 थॉट्स को निकालने के बाद ही तो कोई नया थॉट्स आएगा। प्रॉब्लम क्या, आपने इतनी थॉट्स आपने माइंड में ले लिए हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो भूपेश बस ये बात ध्यान देना, या सभी बच्चे एक बात ध्यान देना, जिस भी बुक का फॉलो कर रहे हो, मेरी है किसी भी ऑथर की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम एक बुक या दो बुक उसी को 3 बार एग्जाम में करके जाओ, एग्जाम दो, वो आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। सर इसमें एक जीएसटी में एक डाउट था कि सर जो कल देख रहा था सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में जो वैल्यूएशन और सप्लाई में जब पोस्ट डिस्काउंट वाले की जो कंडीशन है सर, वो एक बार समझा दीजिए। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की ना कंडीशन, दो कंडीशन है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं। अच्छा, ये कई बच्चे बीच में डाउट्स कह रहे हैं कि सर जीएसटी के और इनकम टैक्स के, मैंने आपको पहले भी कल भी कहा था कि सैटरडे संडे मेरा एक्सक्लूसिव डाउट सेशन होगा और मैं फ्राइडे को भी कोशिश करूंगा इस बार रख लूँ, ताकि मैंने पिछले कई टाइम से रखा नहीं है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस में डाउट होंगे ना वो मैं फ्राइडे भी ले लूंगा। चलो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ले लूंगा। ठीक है ना, तो जो भी आपके क्वेश्चंस में डाउट हैं, कॉन्सेप्ट में डाउट हैं, आप उसकी टेंशन मत लो, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगाकर मैं आपके पूरे डाउट्स ले लूंगा। तो भूपेश आपने डिस्काउंट के बारे में बोला है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में ना दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन तो मैंने कहा था कि वो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर मतलब मेंशन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन मैंने कहा था कि बायर अपना आईटीसी रिवर्स कर देगा। अब इसका मतलब ना ये होता है, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप मेरी दुकान पे आए, आपने मेरी दुकान से 1 लाख रुपए का सामान लिया, मेरी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि अगर कोई पर्सन मेरी दुकान से 80,000 रुपये का सामान ले लेगा ना, या उससे ऊपर का सामान लेगा, 80,000 से ऊपर का, तो 20% कैशबैक मिल जाएगा। आपने 1 लाख रुपए का सामान लिया, अब 1 लाख रुपए का सामान लिया, उस पर मान लो 20% जीएसटी लगा, तो 1,20,000 रुपये का बिल बना दिया। अब भूपेश आपने मुझे बोला कि सर आप 1,20,000 का बिल क्यों बना रहे हो, क्योंकि 20% तो कैशबैक आएगा। मैंने कहा वो तो आपके अकाउंट में बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, आपको अभी मुझे 1,20,000 रुपये देने होंगे। आपने मुझे अभी 1,20,000 रुपये दे दिए, और मान लो आप बिजनेसमैन हो, तो आपने क्या किया, 20,000 रुपये का आईटीसी बुक कर लिया, क्योंकि जो जीएसटी अपनी जेब से पे करेगा वो आईटीसी बुक कर लेता है, सारी बातें आपने पढ़ी हुई है। अब 10 दिन के बाद ना 20% कैशबैक आ गया। अब जब 10 दिन के बाद 20% कैशबैक आया ना, तो आपको ये लगा भाई 20% मेरे पास कैशबैक आ गया, तो जो 20% कैशबैक आया इसका जीएसटी मैं तो ज़्यादा देकर आ गया, क्योंकि इसका जीएसटी देना तो बनता ही नहीं, ये पैसे मुझे वापस मिल गए। तो आप मेरे पास आए, आपने बोला कि सर मैंने ना आपको 1 लाख रुपये पर जीएसटी दिया था, उसमें से 20,000 तो मुझे वापस मिल गया, तो 80,000 पर मुझे जीएसटी देना था, तो वो 20,000 रुपये का जीएसटी मुझे रिफंड कर दो। तो अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि इस 20,000 को हम वैल्यू से माइनस कर देंगे, बट आपने जो अपनी बुक में 20,000 रुपये का आईटीसी बुक किया हुआ है ना, उसमें 20,000 रुपये का जो जीएसटी बनता है 20,000 की वैल्यू का, उसको रिवर्स करो। क्योंकि सोच के बोला, आपने अपनी बुक्स में 1 लाख रुपये का जीएसटी जो बनता है उसका आईटीसी बुक किया हुआ है, जबकि एक्चुअल में करना कितने का चाहिए था, 80,000 का, क्योंकि वैल्यू तो 80,000 थी ना, बट आपने बुक कर लिया 1 लाख रुपये का,
तो जो 20,000 रुपये का आपने एक्सेस बुक की है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तब वो 20,000 का डिस्काउंट माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके सर, ठीक है भूपेश? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अभिजीत कह रहे हैं सर मेरी दीदी की शादी है तो मैं सैटरडे संडे डाउट सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो अभिजीत फ्राइडे कर लेना, ठीक है? सर मुझे एक्चुअली सर रिसिप्ट और ड्यू में सर थोड़ा डाउट था सर, सैलरी में अगर आप सर थोड़ा डिस्कस कर लेते कि एक्चुअली क्या उसमें सर एडवांस सैलरी पहले रिसीव होता है सर आपकी? सर मैंने उसमें देखा था क्वेश्चंस जो आपने क्वेश्चन बैंक भेजे थे टेलीग्राम में, तो उसमें मेरे को सर दो दो तीन क्वेश्चन में सर उसमें डाउट था सर, इसलिए मैं आपको बोला कि अगर डिस्कस कर सकते हैं तो। चलो मैं एक छोटा सा पॉइंट अब डिस्कस कर लेता हूँ, चलो बच्चा कह रहा है नहीं तो बच्चा नाराज हो जाएगा। देखो सैलरी में रिसिप्ट और ड्यू वाला पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है कि सैलरी आपके टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर बेस पे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है? जैसे आप मान लो अभिजीत आप मेरी कंपनी में काम करते हो, आपकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल में कितनी हो गई? 240,000 रुपये हो गई। जी सर, ठीक है। अब 240,000 रुपये आपकी सैलरी है पूरे साल की। जैसे आपने अभी मेरे को यहाँ पे लिखा कि सर मेरी दीदी की ना शादी है, तो आपने मुझे बोला कि सर मेरे घर में ना मेरी सिस्टर की शादी है, तो अगले साल के 3 महीनों की सैलरी भी ना आप अभी मुझे दे दो क्योंकि मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है। जी अब सर। सोच के बोलना, ये गुप्ता साहब को नींद आ रही है जी, एक बच्चे को, बच्चा बाहर बार उबासियां ले रहे हैं, नालायक क्या कर रहे हो यहाँ पे, आसपास वाले बच्चे भी सो जाएंगे, रात को सोए नहीं गुप्ता जी? सर सोए थे थोड़ी, सुबह सुबह नींद आती है सर, सॉरी। सुबह सुबह नींद आती है नालायक, अब तो 11:30 बज गए, आपकी सुबह हो रही है, अभी दोपहर हो रही है, सॉरी सर। सुबह कितने बजे उठते थे? सर सुबह 8 बजे उठते हैं। और रात को कितने बजे सोए थे? रात में हैं सोए थे सर 12 बजे। 12 से 8 की नींद आपको चाहिए, 8 घंटे की तो ये चाहिए, फिर 8 बजे से लेके अब 11:30 हो गए हैं, उसमें भी 3.5 घंटे आप सोई रहे हो नालायक, आधी जिंदगी सोने में निकाल दोगे, थोड़ा उसको बाहर रह के घूमो फिरो, नींद आ रही है। बच्चा देखो ये साथ में एक बच्चा साहिल बैठा है, इसको भी नींद आने स्टार्ट हो गई, साहिल सोना नहीं है। चलो अभिजीत मैं आपके क्वेश्चन वापस आता हूँ। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि आपने मेरी कंपनी में काम किया, सैलरी 20,000 पर मंथ है, 240,000 रुपये है, तो आपने बोला जी मेरे घर में ना मेरी सिस्टर की शादी है, तो प्लीज आप अगले साल के 3 महीनों की सैलरी आप मुझे अभी दे दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप इतने टाइम से मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है, तो ऐसा करो 60,000 रुपया मुझसे और ले लो, आपको पूरी 3 लाख रुपए की सैलरी इस बार मिल गई। अब सोच के बोला जो 60,000 रुपए की सैलरी है, क्या ये सैलरी अभी ड्यू हो चुकी है? ये सैलरी ड्यू तो हुई नहीं क्योंकि आपने मेरी कंपनी में भी काम नहीं किया, ये सैलरी बाद में ड्यू होगी, बट ये पैसा आपको एडवांस मिल गया। तो सैलरी का सेक्शन 15 ये बात कहता है कि हम सैलरी टैक्सेबल करेंगे ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे सोच के बोलना, यहाँ ड्यू पहले हो रही है या रसीव पहले है? रसीव पहले है। तो इस साल जो मैं सैलरी टैक्सेबल करूंगा ना, वो 240,000 रुपये नहीं करूंगा, पूरे 3 लाख रुपए करूंगा, क्योंकि 60,000 रुपये एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होगी और 240,000 रुपये नॉर्मल सैलरी है, टोटल सैलरी 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगी। अब अभिजीत कहते हैं सर फिर जब अगले साल मुझे आप सैलरी दोगे तो वो कितने महीने की दोगे? ऑब्वियसली बात है 9 महीने की दूंगा क्योंकि 3 महीनों के आप मेरे से पहले ले चुके हो। अब देखो अगले साल सैलरी मिली 9 महीने की, बट ड्यू पूरे 12 महीने की हुई क्योंकि 12 महीने आपने काम किया। अब क्या मैं टैक्सेबल पूरी 12 महीने की करूंगा या 9 महीने की? 9 महीने की, रीजन बिंग क्योंकि 3 महीने पहले ही टैक्सेबल हो चुके हैं। तो आपको ना बस ये समझना है कि सैलरी ड्यू और रिसीव इनमें से अर्लियर क्या है, और जो भी अर्लियर होगा ना सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल कर देंगे। अब गुप्ता जी ये बात कहते हैं कि सर मेरे को एक डाउट ही आ रहा है कि जैसे मान लो मेरी सैलरी 20,000 पर मंथ थी, आपने 240,000 बोला, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साल के 3 महीनों की सैलरी ना मैंने इस साल ना ली हो, मैंने अगले साल ली हो, क्योंकि मान लो मुझे अभी पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आपको दिक्कत आ रही है, आपने बोल दिया कि भाई इस साल के 3 महीनों की सैलरी मैं अगले साल दूंगा, आपने बोला जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने हमारा इतना साथ दिया है, 3 महीनों की सैलरी आप अगले साल दे देना। अब सोच के बोलना इस साल सैलरी मिलेगी 9 महीने की, बट ड्यू तो पूरी 12 महीने की होगी ना क्योंकि 12 महीने आपने काम किया है, तो इस केस में अर्लियर क्या हो गया? ड्यू हो गया। तो हमें सैलरी पूरे 12 महीने की टैक्सेबल करनी होगी, चाहे मिली आपको 9 महीने की है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि ड्यू और रिसीव जो भी अर्लियर होगा सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। ठीक है अभिजीत?
ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर बस एक सेक्शन 41 का जो पीजीपी का था सर, उसमें था कि रेमिशन और सीजेशन ऑफ एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग लायबिलिटी वाला एक सर सेक्शन था। वो ये है कि अगर कोई खर्चा क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, वही मैं बता रहा हूँ कि सेक्शन 41 की सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई खर्चा पहले आपको अलाउड हो चुका है, ठीक है जी, और बाद में उसकी रिकवरी होती है। मान लो एक खर्चा है पहले आपको अलाउड हो चुका है और बाद में उसकी रिकवरी हो रही है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जैसे बैड डेट्स है, बैड डेट्स आपने डेबिट कर लिए, बाद में बैड डेट्स रिकवर हो गए, तो पहले खर्चा अलाउड हो गया, बाद में रिकवरी होगी, तो वो रिकवरी मैंने कहा था टैक्सेबल होगी। अब मे बी आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा 41(4) है बैड डेट्स की रिकवरी का, 41(3) है साइंटिफिक रिसर्च वाला, 41(2) है एक बैलेंसिंग चार्ज जो SLM मेथड के अंदर आता है, और 41(1) ये बात कहता है कि अगर कोई खर्चा इन तीनों के अलावा है जो इन तीनों में कवर नहीं है और वो आपको पहले अलाउड हो चुका है, उसकी अगर रिकवरी बाद में हो रही है ना, तो वो रिकवरी जो होगी वो 41(1) में टैक्सेबल होगी, जो आपने पॉइंट मुझसे पूछा है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से और इन बच्चों की फैमिली की तरफ से। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ऐसे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, 1 किलो भाजी भिजवानी पड़ेगी नालायक। सर मोतीचूर के लड्डू भेजता हूँ सर, मोतीचूर लड्डू। चलो इंतजार करूंगा, कितने टाइम इंतजार करूं सर? बस लॉकडाउन खुल जाए फिर मैं आ रहा हूँ दिल्ली सर। ओके थैंक यू, ओके जी, बाय बाय, एंजॉय करो, ठीक है, और पढ़ाई भी करो। जी सर, ओके जी। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, मेरा डाउट है, आपका डाउट है, ओ माय गॉड। हाँ जी बोलो जी, विशेष क्या डाउट है आपका? सर मेरा ये डाउट है कि सर मैं ना अभी सर दो दो मॉड्यूल दे रहा हूँ। अच्छा, तो सर मेरे को अभी सर बहुत टेंशन हो गई है कि सर रिवीजन सर मेरी हो नहीं पा रही है सर, और बिल्कुल सर ऐसा हॉचपॉच सा हो गया सारा सब कुछ, और क्योंकि और सर बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा इस टाइम। दिमाग काम नहीं कर रहा ना, ऐसा मत बोलो, काम कर रहा है तभी तो आप मुझसे बात कर रहे हो। सर ये ना वो नहीं हो रहा कि इसे दोबारा पकड़े कैसे सर इसको, क्योंकि अच्छा। बहुत कुछ ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गया हूँ। तो पहले तो ये बताओ, आपने बोथ ग्रुप की कोचिंग कंप्लीट कर ली है? हाँ ऑलमोस्ट कर ली है। ऑलमोस्ट का मतलब नहीं, ऑलमोस्ट मतलब ये बताओ क्लियर कि कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है? हो गई है सर, मतलब थोड़ा बहुत रह गया है बस। अच्छा, और पहले ग्रुप की कोचिंग कब खत्म हुई थी? वो तो सर हो गई थी, आपके यहाँ तो पढ़ा था। नहीं नालायक, आपके यहाँ पढ़ा था, मैंने ये थोड़ा पूछा यहाँ के मेरी प्रमोशन करो, हद हो गई, बच्चा कहेगा पता नहीं। ठीक है, मेरे से पढ़े थे, मतलब मैंने पूछा कोचिंग अब खत्म हुई थी, मैंने ये नहीं पूछा किससे पढ़े थे। सर मेरी तो हो गई, दिसंबर में हो गई थी सर कंप्लीट, पिछले साल अप्रोक्सीमेट, मतलब 1-9 महीने हो गए। और सेकंड की कोचिंग कब स्टार्ट की थी? सेकंड की कोचिंग सर मैंने जनवरी से। जनवरी से, और खत्म कब हुई है? अभी लेटेस्ट में सर वो तो पहली खत्म हो गई थी सर। तो फिर बीच में मतलब उसकी कोचिंग, सॉरी जून के बाद से ली थी सेकंड की कोचिंग तो। अरे जून के बाद से ली थी तो ना, अभी अभी थोड़ी बहुत चल रही है। तो मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है, फर्स्ट ग्रुप में आ रही है या सेकंड ग्रुप में आ रही है, दोनों ग्रुप में आ रही है? सर दोनों में आ रही है सर, तो मिक्सअप हो गया सर बहुत कुछ। देखो अब ध्यान सुना, जितने बच्चे बोध ग्रुप दे रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लो, अगर आपने बोध ग्रुप देने हैं तो आपका माइंड पहली बात ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किस टाइम कौन सा पेपर पढ़ना है। क्योंकि सर मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, हम पता क्या, हम बोध ग्रुप पकड़ तो लेते हैं बट 7 या 8 पेपर देना आसान बात नहीं है। ठीक है, उस 8 पेपर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर 8 पेपर मेंटेन नहीं करोगे ना, तो मैंने कई कई केस ऐसे भी देखे हैं कि जो बोध के बोध ग्रुप ही रह जाते हैं, जबकि उनका एक ग्रुप पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक ग्रुप पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट किसी के बहकावे में आके, दोस्तों की बातें सुनने से, दूसरों को देखने से, उन्होंने सेकंड ग्रुप लेना स्टार्ट कर दिया, बोध ग्रुप की तैयारी अपना कर ली, अब उनको लगता है यार मैं क्या करूं, तो मैं फंस गया। ठीक है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है विशेष। अब देखो 30 दिन आपके पास है, ठीक है, तो 30 दिन का ना अपना शेड्यूल ये बनाओ कि एक ग्रुप तो आप बहुत बढ़िया तरीके से करो। Yes, मतलब अपना पहले ना ये आइडेंटिफाई करो कि आपका एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग कौन सा, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट ग्रुप स्ट्रॉन्ग है ना, तो फर्स्ट ग्रुप को मैक्सिमम टाइम दो। सर सेकंड ग्रुप के चक्कर में मेरा फर्स्ट ग्रुप भी वीक हो गया सर अब। हाँ, तो मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ ना आपको। उसका सोल्यूशन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रुप में आप क्या करोगे, फर्स्ट ग्रुप को आपको मैक्सिमम टाइम देना अभी।
सेकंड ग्रुप में आपने ये करना है कि साइड बाय साइड उसको लेके चलना है, या दो पेपर सेकंड ग्रुप में ऐसे उठा लो प्रैक्टिकल, जो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स हो गए या आपका एफएम हो गया, जिसमें आपको कोशिश करनी है कि मुझे एग्जम्पशन लेके आनी है, अगर वो आपका प्रैक्टिकल स्ट्रोंग है तो ठीक है सर। ठीक है। और होगा क्या कि अगर आपने प्रैक्टिकल स्ट्रोंग है, अगर उसमें एग्जम्पशन आ गई ना, तो बाकी दो पेपर जो आपने पढ़े हैं, देखो अभी कोचिंग आपके सेकंड के भी चल रही है ना, इट मींस आपको थोड़ा बहुत सेकंड तो माइंड में है ही है, सेकंड तो कुछ तो माइंड में होगा ना, तो बेटर यह कि फर्स्ट ग्रुप की तैयारी अपना दोबारा से स्टार्ट कर दो, अभी से पूरा शेड्यूल बनाओ कि मुझे आज टैक्स और लॉ पढ़ना है, ठीक है, और साथ में सेकंड ग्रुप का ये पेपर पढ़ना है 1-2 घंटे, ठीक है सर। और टारगेट लेके चलो कि अगले 10 दिन के अंदर ना मुझे ये दो पेपर कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है ठीक है। फिर अगले 10 दिन का शेड्यूल बनाओ कि मुझे अब जर्नल लॉ पढ़ना है और मुझे ये वाला पेपर पढ़ना है, सेटिंग अप पढ़ना है, और साथ में सेकंड ग्रुप का एक आधा पेपर, एक पेपर और उठा लो, ठीक है ठीक सर। है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि माइंड में ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करो कि अब मेरे दोनों कैसे निकलेंगे और मैं दोनों कैसे उठाऊं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये सर, जैसे मैंने आप मेरा एनरोलमेंट तो खत्म हो गया सर आपके पास से, तो सर अभी जैसे अब मेरे पास तो सिर्फ ऑप्शन सर फिर यूट्यूब ही रह गया है फिलहाल, तो क्योंकि आप बाकी नोट्स है मेरे पास जो आपने पढ़े, जो आपसे पढ़े हैं देखो सर, यार मेरे को ये यूट्यूब पे पूछना था। ना, यूट्यूब पे रिवीजन क्लास इतनी है कि अगर आपने पहले यस सर। सही ढंग से पढ़ा हुआ है ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता, देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, बट मुझे इतना पता कि जिस बच्चे ने पहले एक बार टेक्स्ट कहीं से भी पढ़ा है, अगर वो यूट्यूब पे पढ़ी हुई रिवीजन क्लास देख लेगा, वो बच्चा मार नहीं खाता। सर मेरा तो सर एक्चुअली ये है कि मैं चाहता हूँ कि सर ये निकल ही जाए, क्योंकि पिछली बार भी सर मेरा ऐसा हो गया था कि सर मेरे 63 मेरे मार्क्स आ गए थे सर, वो 60 सॉरी 66 मार्क्स आए थे सर टैक्स में, और सर गुप्ता बाकी में सर जी, एक गुप्ता आदमी जी, कम रह गुप्ता गए। जी, तो आपको नींद बहुत आ रही है नालायक, पानी डाल के आंखों में, हो सके तो बाल्टी डाल लो सिर पे। नालायक बच्चा इतना सो रहा है, पता नहीं नींद की गोली खा के बैठा है, क्या कर रहे हो? हाँ जी विशेष बोलो। सर वो उसमें भी फिर मेरा रह गया था सर, इसलिए मैं चाहता हूँ सर इस बार ठीक से निकल जाए सर। मतलब सर ये वैसे जीएसटी इनकम सर उसकी जो वीडियो है सर आपकी 22 अमेंडमेंट क्लासेस हैं। 22 अमेंडमेंट क्लास तो जून और दिसंबर दोनों मिला के ना, तो सर अब तो अभी देना है, देखनी तो दोनों पड़ेंगी ना, तो पहले जून वाली देखी नहीं थी आपने? हाँ देखी थी। तो फिर अब बस दिसंबर वाली देखो। अच्छा सर, हाँ लेकिन रिवीजन तो दोबारा सर भूल गया हूँ तो देखना पड़ेगा ना फिर से। हाँ हाँ वो एक बार देखना पड़ेगा, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप एक ही ग्रुप पे मैक्सिमम टाइम लगाओ, दूसरे को आप साइड बाय साइड लेके चलो, ठीक है। अगर तो मेरी मदर भी कह रही थी कि फर्स्ट ग्रुप पे पहले ध्यान दे तू। हाँ तो मम्मी की बात सुना करो ना, सुनते तो हो नहीं घर वालों की बात, ठीक है। मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, आई एम प्राउड ऑफ योर मदर, तो ठीक। सर वो 18 घंटे की जीएसटी की, इनकम टैक्स की हाँ 19 आवर्स की, और अमेंडमेंट क्लास देख लूं बस, टैक्स में इतना सफिशियंट है वे। 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास, 19 घंटे की इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास, प्लस में 4 घंटे की जो मैंने लिमिट्स वाली डाली है, और अमेंडमेंट क्लास, दैट इज मोर देन सफिशियंट। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। सर जो आपने कहा था कि वो स्कैनर है वो अब रिडंडेंट हो गया, मतलब जो हमारे पास पुराना पड़ा हुआ है हाँ तो मैंने जो यूट्यूब, दिसंबर। जो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे नए वाला डाला है वो कर लो, अगर आपने पहले नहीं किया तो। सर वो तो जून तक के लिए था ना, अभी दिसंबर के लिए आप अगर आप अभी डालोगे कि अभी नहीं नहीं, डालोगे, हम दिसंबर के लिए पूछ। तो जो इनकम टैक्स में तो अमेंडमेंट है ही नहीं ना, इनकम टैक्स में तो सिंगल अमेंडमेंट है, तो उसके जो क्वेश्चन बनेंगे अमेंडेड वाले वो मैं दिसंबर में कोशिश करूंगा डाल दूंगा, बाकी सब तो वही एप्लीकेबल है। वही जो आपने टेलीग्राम में पूरी प्लेलिस्ट डाली थी ना वो जी वही, जी ठीक है सर एमसीक्यू की। और सर जीएसटी के लिए फिर जीएसटी के लिए डाले हुए ना 18 घंटे की रिवीजन क्लास और अमेंडमेंट क्लास, और अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चन कराए हैं साइड बाय साइड थोड़े, सर एमसीक्यू के लिए वो पूछ रहा हूँ मैं। एमसीक्यूज़ तो मैं उसके अमेंडमेंट वाले बना के डालूंगा, बाकी सब वही है जो आपने जून के लिए पढ़ा है, ठीक है सर। ठीक सर है। अभी सर आप कब कब तक डालोगे सर वो उसके लिए अमेंडमेंट वाली जो है दिसंबर देखो वो आप के लिए जो अपने। वो आप दिसंबर तक का वेट करो, बट पहले अपना सिलेबस तो कंप्लीट करो ना, यस सर। सारा कुछ एक साथ तो करोगे नहीं, ठीक है। तो पहले अपना रिवीजन वाला काम पूरा कर लो, उसके बाद फिर अगले स्टेप पे आओ कि अब मुझे क्वेश्चन करने हैं, यस ठीक है। सर। हाँ जी नमस्ते सर। सर होमवर्क आपने मुझे टाइम टेबल थोड़ा अकॉर्डिंगली बनाना था। हाँ जी बोलो। नहीं आप होमवर्क देने वाले हैं क्या आज? अच्छा आज होमवर्क देने वाला हूँ? नहीं आज मैं होमवर्क ऐसा कुछ खास नहीं देने वाला, मैं फ्राइडे को दूंगा, फ्राइडे से मैं टारगेट अपने स्टार्ट करूंगा, मतलब जो बच्चे कह रहे हैं ना बीच में चैट बॉक्स में कि आप टारगेट कब से देना स्टार्ट करोगे, तो फ्राइडे को आपको पहला टारगेट मिलेगा, और अब टारगेट एक एक हफ्ते के नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना,
ठीक है, अब मैं आपको तीन तीन दिन या चार चार दिन के टारगेट दूंगा कि इतने 3 या 4 दिन में आपने ये मुझे कंप्लीट करके रिवीजन करवानी है यहाँ पे, और अच्छा फ्राइडे से एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के दोनों के सेशन अलग अलग हो जाएंगे। मतलब प्रोफेशनल के सेशन में अलग लेके चलूंगा, एग्जीक्यूटिव के अलग लेके चलूंगा, ताकि दोनों बच्चे मिक्सअप ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ओके फ्राइडे सर, जी, ठीक है चलिए ओके सर। ठीक है। आपने लास्ट टाइम जो हेलो। टारगेट दिया था, हाँ जी, हेलो हाँ जी, सर, लास्ट टाइम आपने टारगेट दिया था कंपोजिशन स्किन का और रजिस्ट्रेशन का, वही वाला ले लेना आप उस दिन फ्राइडे को। फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे को। अच्छा, आपने अभी उसका टारगेट अचीव, मतलब हमने उसकी रिवीजन की नहीं थी। नहीं सर, हाँ, तो पहले उसकी आपने रिवीजन, लास्ट टाइम दिया था, हाँ पहले उसकी सॉरी टू रिवीजन, इंटरप्ट, सर ने टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला था, नहीं वो बच्चे तो मे मेरे भी आपके लिए बोला होगा, मैं अच्छा, प्रोफेशनल। हाँ, अच्छा, अच्छा ओ माय गॉड, अच्छा नालायक, लड़ो मत, क्या कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हम लोग मैं कैसे समझ गया था, वो प्रोफेशनल के बच्चे हैं, तो जो मैंने लास्ट टारगेट दिया था पहले हम उसकी रिवीजन करेंगे, फिर मैं नया टारगेट फ्राइडे को दे दूंगा। यस सर, नहीं ठीक है, बोलना, और मैं थैंक यू यूट्यूब सर, पे सेशन डाल दूंगा कि एक्सी का कब होगा, प्रोफेशनल कब होगा, तो प्लीज आप यूट्यूब से जरूर देख लेना। ओके सर। सर ठीक है, चलो, टेलीग्राम पे भी डाल देना। ओके जी, और कोई हुक्म मेरे लिए? नो सर, थैंक यू जी। सर, हाँ थैंक यू जी सर। आकाश, हाँ जी सर, ये कोई कंपलसरी है क्या 16 से 18 घंटे पढ़ने का? यार, ये कोई कंपलसरी नहीं है। पहले तो मुझे समझ नहीं आते क्वेश्चन मार्केट में आते कहाँ से हैं, कि अगर मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर मैं 20 घंटे पढ़ रहा हूँ तो पास हो जाऊंगा, अगर मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ तो पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ कैसे रहे हो, मैटर वो करता है। यस सर, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सर, आपको नहीं पता। मैं आपको ना, मतलब प्रॉब्लम पता क्या होती है, क्योंकि जो मैंने पिछले 6 महीने के अंदर लॉकडाउन के अंदर फील किया ना, तो आपकी एज का बच्चा ना इस टाइम ऑनलाइन इतना आ चुका है कि उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब है। ये आपको मेरी बात बुरी लगेगी, बट सिंपल सी बात है, मेरे घर में भी आपकी एज के लोग हैं, ऑब्वियस बात है, मैं भी आपकी एज का ही हूँ, सिर्फ 2-3 महीने छोटा ही हूँ, तो ज्यादा फर्क हमारे अंदर है नहीं। ठीक है, तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि ऑनलाइन माइंड में इतना घुस चुका है, तो वो हमारे लिए दिक्कत बनता जा रहा है। ठीक है, यस सर, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो, वो पढ़ कैसे रहे हो मैटर ये करता है, चाहे आप 6 घंटे पढ़ रहे हो चाहे 8 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें आप कोई डिस्टर्बेंस होनी है वो जरूरी है बस। यस सर, यस सर, ऐसा कोई रूल नहीं है 18 घंटे पढ़ने वाले बच्चे पास हो रहेंगे, ऐसा भी है 4 4 घंटे पढ़ने वाले बच्चे रैंक भी लेके आते हैं, 18 घंटे पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता पास, ये भी है। तो 18 घंटे पढ़ रहे हो ये कोई रूल नहीं है कि 18 घंटे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यस सर, ठीक है ठीक है सर, आकाश, ओके सर, थैंक यू सर। ओके हेलो जी, सर, हाँ जी, सर ये एक डाउट था कि एग्जाम में राइटिंग मेंटेन कैसे करें सर लास्ट तक? राइटिंग मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है घर से ही आप प्रैक्टिस करके जाओ, एग्जाम में कभी मेंटेन नहीं होती। एग्जाम में आपकी स्पीड, बता क्या, एग्जाम की स्पीड जो होती है ना, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है कि आपने पहले 6 महीने कैसे पढ़ाई की है, पहले 6 महीने कितना लिख के देखा है। आप में से कई बच्चों की कमियां बताता हूँ, देखो आशी को भी नींद आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं सत्संग सुना रहा हूँ, मतलब ऐसी बातें तो ना बच्चों को बोरिंग सर लगती नहीं हैं। यार, कमाल की बात यह है, अगर मैं यहाँ पे यही अपना मुजरा करके दिखाऊं ना, यही डांस करके दिखाऊं, बच्चा भाई साहब इस वीडियो को ऐसे देखेगा ना, बच्चा कहेगा अब आ रहा है असली मजा, तो जो बातें हमें देखनी है वो दिखाओ, ये क्या हमें यहाँ पे ज्ञान झाड़ रहे हो अपना नालायक। ऐसी ऐसी बातों पे तो बच्चों को नींद आ जाती है, हद हो गई बिल्कुल ही। इधर देखो ध्यान से, बच्चे ने क्वेश्चन मुझे पूछा था कि प्रैक्टिस कैसे करें लिखने की, तो लिखने की जो प्रैक्टिस होती है ना, लिखने की प्रैक्टिस देखो सिंपल सी बात है, आप घर से करके जाओगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, वहां प्रैक्टिस नहीं होती। अब सुन लेना, और मुझे ना कमेंट बॉक्स में कसम लगे कि आपको आपके हाथ में किताब है, झूठ मत बोलना, ऐसा करते हो नहीं करते। आप में से 90% बच्चा जब पेपर पढ़ता है, चाहे वो लो हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, वो ऑडिट करता है। आपके सामने बुक्स होती है, आपके पास नोट्स होते हैं, आप उसको सिर्फ ना हाथ में पेन लेके ऐसे अपनी गर्दन हिलाते रहोगे, अच्छा हाँ, ठीक है, हाँ समझ में आ गया, नालायक ये क्या कर रहे हो। मतलब जो आपने सामने लिखा है नोट्स में वो तो सही है, उसमें कुछ गलत थोड़ा है, बट एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा ना सर, हर पेपर टैक्स का नहीं है, हर पेपर अकाउंट्स का नहीं है कि गोले भर के आ जाओगे वहां पे। आपके कंपनी लो का पेपर है, सेटिंग अप का पेपर है, जनरल लो का पेपर है, आपका अकाउंट्स FM है, वहां आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व ही तब होंगे जब घर से प्रैक्टिस करके जाओगे। और सुनो ध्यान से, अब कई बच्चे प्रैक्टिस भी कैसे करते हैं, टीचर ने क्वेश्चन कराया रखा है प्रैक्टिकल इतना बड़ा, बच्चा उसकी प्रैक्टिस कैसे करेगा, पहले तो वो देखेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर खुद निकालने की ट्राई नहीं करेगा, क्वेश्चन
क्वेश्चन देखने के बाद आंसर डायरेक्टली देख लेगा, अच्छा इसने ऐसे किया हुआ है, हाँ फिर ठीक है। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, नालायक उसने जो आंसर किया वो तो ठीक ही है, आप अपना आंसर निकालो ना कि आपका आंसर क्या है, उसके आंसर से फिर मैच करो, फिर चेक करो गलती हो कहाँ रही है। ठीक है, आप में से अब दिखा दूंगा, दिसंबर में एग्जाम होंगे ना, दिसंबर में एग्जाम होंगे, क्योंकि सर बच्चे ऑब्वियस बात है कुछ प्यार करने वाले बच्चे मेरे भी हैं, तो मुझे मैसेज पता क्या करते हैं, सर पेपर हुआ 60 नंबर का, पेपर हुआ 70 नंबर का, पेपर 80 नंबर का हुआ, और आप कभी भी देख लेना जो रैंकर्स होंगे या रैंक होल्डर बच्चे होंगे उनका पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। सर वो 100 का पूरा कैसे करते हैं कभी आपने सोचा है? क्योंकि वो घर से रिटर्न प्रैक्टिस इतनी करके जाते हैं कि एग्जाम 3 घंटे उनको नहीं पता लगता कि पेपर लेंदी है, और पेपर लेंदी वही बच्चा बोलता है जिसने घर से प्रैक्टिस ना की हो, क्योंकि अगर लिखने की स्पीड ही नहीं है। आप में से कई बच्चे सर इंग्लिश आपकी बहुत बढ़िया है, सब जानते हैं इंग्लिश सीए सीएस वालों की बहुत बढ़िया होती है, और इतनी बढ़िया होती है कि मेरे ख्याल से बाहर वाले भी कहते हैं भैया इतनी बढ़िया इंग्लिश हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं ना हमें 100 बार तो सोचना पड़ता है सेंटेंस बनाऊं कैसे, सेंटेंस बनेगा कैसे। अब अगर इतना टाइम आप सोचने में लगाओगे तो आप लिखोगे क्या, तभी पेपर होता है 60 नंबर का 70 नंबर का। तो अगर घर से ही लिखने की प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहां पे पेपर 100 नंबर का होगा, और जो बच्चा 100 का करके आएगा तब जाके पास होने की सोचना, 70 या 60 नंबर का अगर पेपर करके आए हो तो सर एग्जामिनर का भी पूरे मार्क्स आपको देगा नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे कह रहे हैं ना रिटर्न की दिक्कत आती है, आप घर से प्रैक्टिस कर लो, अभी भी 30 दिन आपके पास हैं, अभी भी 30 दिन आपके पास हैं, टाइम अभी भी आपके हाथ में है, ये 30 दिन निकल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, और मेरे ख्याल से थैंक 12 दिन यू। के अंदर तो महाभारत खत्म हो गई थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शुभिका। सर एक्चुअली आई हैव अ डाउट, लाइक आई हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम लास्ट ईयर व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर माय दिसंबर एग्जाम्स। तब तक मुझे कुछ भी नहीं था, मैं एकदम परफेक्ट थी, बट तब दिसंबर एग्जाम्स थे और वो पोस्टपोन हो गए सीए एनआरआरसी के चक्कर में, एंड तब मेरा बोथ ग्रुप था। आई डोंट नो सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे एग्जर्शन बॉडी में इतनी ज़्यादा हो गई कि बैक प्रॉब्लम हो गया और वो अभी तक नहीं गया, और अभी वो ऐसा है कि मतलब अगर मैं 3 घंटे या 2 घंटे भी मैं अगर सिटिंग निकालती हूँ तो मतलब मेरे शोल्डर में और मतलब बैकबोन इज कम्प्लीटली बहुत मतलब नहीं हो पाता सर। फिजियोथेरेपी डॉक्टर सबको दिखा लिया, मतलब अभी तक मेडिसिन चल रही है, बट सर पढ़ाई हो रही है, बट जो होता है ना कि सिटिंग निकालो 3 3 4 4 घंटे की, सर नहीं हो पा रहा अभी। इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, अभी आपका सेशन मैं अटेंड करूँ जितनी भी देर हुई है, मेरे शोल्डर में और मतलब नेक मतलब बैकबोन एंड नेक ये सब सर्वाइकल पॉइंट्स वो पेन हो रहे हैं सर अभी 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 में ही, बिकॉज तो पहले तो आराम सिटिंग। से कंफर्टेबल होके बैठो, ठीक है। और दूसरी बात देखो, मैं आपको ये बात बोलूंगा क्योंकि आप इंडिया का आने वाला फ्यूचर हो, सही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये शुभिका मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जो आपकी चलो जो प्रॉब्लम है वो तो है, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जल्दी सही हो जाओ, बिल्कुल फिट हो जाओ, बट जो ये प्रॉब्लम हम होती है ना ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल से भी होती है, और प्रेशर माइंड में इतना हम टेंशन ले लेते हैं ना उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे अब देखो गुप्ता जी को फिर नींद आ रही है, बड़ी मुश्किल से आंखें खोल के बैठे हैं नालायक। गुप्ता जी तो आज मेरे ख्याल से पूरे सेशन में सो के मानेंगे, बच्चा कह रहा है कुछ भी बोलो बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, तुम किस खेत की मूली हो, हमें कोई नहीं रोक पाया सोने से। गुप्ता जी इतनी नींद अच्छी नहीं है 18 18 घंटे की, नालायक 24 घंटे होते हैं दिन में, 6 घंटे फिर आप क्या करोगे। ठीक है शुभिका, तो मैं कह रहा हूँ कि अपना माइंड, पहली बात तो माइंड से ना ये थॉट्स पहले तो ये बिल्कुल टेंशन निकाल दो, ये निकाल दो कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, या माइंड में जो भी थॉट्स नेगेटिव आते हैं ना उसको निकालो। इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आने स्टार्ट होंगे ना, वो आपकी जिंदगी का एक ऐसा दिन होगा, आपको लगेगा मेरी जिंदगी चेंज हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे थॉट्स एकदम आ जाएंगे, बट थॉट्स आपको धीरे धीरे लाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि सर प्रॉब्लम है, अब मैं सेशन मेरे को बैक पेन हो जाती है, तो उसका सिंपल सा की है कि जब आपको लगता है, जब मुझे पता है कि मेरी बॉडी 2 घंटे मेरा साथ दे सकती है, तो मुझे अपनी बॉडी से उस टाइम 2 घंटे से ना 2 घंटे की बजाय कोशिश करो 2 घंटे 10 मिनट में काम लूं। ठीक है, मतलब 2 घंटे से कम काम ना लूं, क्योंकि होगा क्या, अगर आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा मुझे नहीं पता डॉक्टर ने क्या कंसल्ट किया है उनकी कंसल्टेशन के साथ, बट अगर थोड़ा सा 1% बॉडी को पेन नहीं दोगे तो बॉडी सही भी नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हाँ भाई अब मुझे सही करना है, क्योंकि एग्जाम आपको देने तो एग्जाम में 3 घंटे बैठना पड़ेगा ना, एग्जाम में 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तो उसकी आदत अभी से डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 2 घंटे बैठ रहे हो 1.5 घंटा बैठ रहे हो उसमें एग्जाम इतना है कि 100 नंबर का तो पूरा नहीं होगा,
ठीक है ना, उसमें एग्जाम कम पूरा होगा। तो पहली बात तो ये कोशिश करो कि जितना हो सकता है 2 घंटे 2.25 घंटे, उसके बाद फिर थोड़ा टहल लिया, थोड़ा अपना बाहर घूम लिया, थोड़ा माइंड को फ्रेश किया, लेट लिया, ताकि अपनी बॉडी फिर दोबारा से चार्ज अप हो जाए, ठीक है। और माइंड से स्ट्रेस लेवल कम करो, ठीक है, माइंड को अपने टेंशन बिल्कुल मत लेके आओ, और जितनी आपने तैयारी की है उस पर कॉन्फिडेंस बना के रखो कि जो मैंने तैयारी की है वो मैंने अपना बेस्ट दिया। और ये कभी मत सोचो कि मैंने पहले दिसंबर में एग्जाम दिए थे उस टाइम नहीं निकले थे, तो अगर इस बार नहीं निकले तो मेरी फैमिली वाले क्या सोचेंगे या बाहर वाले क्या सोचेंगे। अपनी ओके तैयारी सर, पे टाइम लगाओ बस, आप दिल से ना खुश रहो, दिल से सेटिस्फेक्शन लेके आओ कि जो मैं कर रही हूँ अपना बेस्ट दे रही हूँ, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ओके आपका सर, रिजल्ट 100% आएगा, ठीक ओके है। सर। एंड वन मोर थिंग, मतलब सर मैंने एक्चुअली क्लासेस ली थी आपसे, ली थी दिसंबर 19 के लिए, लाइक ली थी, तो सारी जीएसटी एंड इनकम टैक्स की बुक वही है। तो अभी सर मैं मतलब जीएसटी की बुक ली नहीं थी मैंने, क्योंकि मतलब नोट्स ही इतने बढ़िया थे कि जरूरत नहीं पड़ रही थी। सर अभी बुक्स लूँ, मतलब जीएसटी नहीं आती नहीं बुक्स थी। लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रिवीजन मतलब जो अमेंडमेंट क्लास है, अमेंडमेंट नोट्स हैं वही देख लो, और अगर लेनी भी पड़े तो एक जो हैंड रिटन मैंने बुक निकाली है समरी, वो ले लो, उसमें आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी बस, ओके सर, ठीक है शुभिका। थैंक। और मैं सभी बच्चों को एक चीज बोलना चाहता हूँ जी, ठीक है। मैंने अभी जैसे शुभिका को बोला कि अपनी बॉडी को थोड़ा पेन देना स्टार्ट करो, तो ये इस बात पे थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है जी। होता कह रहे से आपने 8 घंटे का पढ़ाई का बनाया, तो कोशिश करो मैं 8.25 घंटे बैठूंगा, जो लोग बच्चे 10 घंटे सो रहे हैं कोशिश करो मैं कल 9.5 घंटे सोऊंगा, ठीक है। आप कभी देखना जी सर, आप ये हंसने की बात नहीं है, मैं कई बार बाहर जाता हूँ ना सर, बाहर लोग मतलब कई बार ना दिल एक इमोशन से भर जाता है, दिल रोता है। मैं कई बार बाहर लोगों को सड़कों पर देखता हूँ ठंड में भी सो रहे हैं, ठंड में भी आराम से लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये तो शुक्र है कि हमें कमरे के अंदर बैठे हैं, हमारे पास ओढ़ने को ब्लैंकेट है, हमारे पास पहनने के कपड़े हैं। बाहर लोग ऐसे हैं सर, उनके पास ओढ़ने को कंबल नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, कपड़े नहीं है। उनको आपने कभी देखा बुखार होते हुए कुछ होते हुए? मेरे को तो नहीं लगता कभी वो डॉक्टर के पास कभी आपने कभी देखा हो। रीजन बिंग उनकी बॉडी वैसी हो चुकी है, उनको ठंड में इतनी ठंड लगती नहीं है। हमें क्या है कि भाई साहब अगर ठंड अभी स्टार्ट हुई है ना, हुई ठंड इतनी हो रही है, फीवर 2 मिनट के अंदर फीवर हो जाएगा। क्यों? रीजन बिंग हमने अपनी बॉडी को वैसा बना रखा है। तो आपको थोड़ा सा ना थोड़ा सा बॉडी को पेन देना पड़ेगा, जितना जितना थोड़ा बहुत बॉडी को पेन देते रहोगे आपकी बॉडी वैसे ही बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने टारगेट 8 घंटे का पढ़ने का है, आप 8.5 घंटे पढ़ो, आपको वो आधा घंटा ना दर्द होगा, बट आपको वो दर्द देना पड़ेगा, क्योंकि वही दर्द जो होगा आपको वो रिजल्ट देगा बस, ठीक है। चलो, एक बच्चे का दर्शना का डाउट है कि सर एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग है, तो एग्जाम में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या जो लगे कि सही हो वो ही अटेम्प्ट करें? दर्शना, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन नहीं आते उसके बाद उनके ऊपर आओ। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि ये है या ये है और मेरी तरफ से मुझे ये लग रहा है, तो वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट अगर माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, इसका आंसर मुझे तुक्का मारना पड़ेगा, तो वो तुक्का मत मार के आओ, ठीक है ना। तो क्योंकि होता क्या कि ज्यादा तुक्के अगर मारोगे ना तो वो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में नंबर काफी कम हो जाते हैं। हाँ, अगर ऐसे हैं कि आपको 90 क्वेश्चन तो पता लग रहे हैं, 10 क्वेश्चन में तुक्का मारना है फिर मार लो। बच्चा कह रहा है अगर हमें सब में तुक्का मारना पड़ा नालायक, तो अगर सब में तुक्का मारना पड़ा बस फिर तो काम हो गया आपका, ठीक है। फिर तो ये सोच के तुक्का ही मारना है फिर तो आगे तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। तो कम से कम आपको नेगेटिव मार्किंग में बिना बात के तुक्के नहीं मारने, क्वेश्चन देखो पहले कितने नहीं आते उसके बेस पे देखो। गुप्ता जी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आज। हाँ जी गुप्ता जी, माइक ऑन करो, जी सर। क्या कोई क्वेश्चन पूछो आज। सर ये डिडक्शंस का पूछना था, डिडक्शंस में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो उसको सेक्शंस को कैसे दिमाग में रखे, मतलब क्योंकि एग्जाम के टाइम पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सेक्शन इसमें था नालायक, जो कैसे याद आपके करें। हालात हैं ऐसे तो याद भी नहीं होंगे, उसके लिए थोड़ा नींद भगानी पड़ेगी तभी याद नहीं हो रहे आपको। मेन मैं ये देखना चाहता कि आपका क्वेश्चन कैसा होगा, और मुझे उम्मीद थी आप ये क्वेश्चन पूछोगे। गुप्ता जी सेक्शन याद होते हैं, कम से कम उसके लिए 18 घंटे जागना होता है, या जागना होता थोड़ा बहुत, 18 घंटे नहीं सोना होता। इधर देखो, चलो मैं बता देता हूँ, पहले तो ये बताओ कितने घंटे सोते हो, झूठ मत बोलना आज कसम है। सर हो जाता होगा 8-9 घंटे तो हो ही जाता होगा। झूठ नहीं बोलना, मैंने कहा झूठ नहीं बोलना, ये नहीं बोला कितना जागते हो कितना सोते हो, ये पूछा है नालायक। सर
अराउंड 10 आवर्स सर। अराउंड 10 आवर्स कम है ज्यादा है? सर ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा अगर देखो 10, कभी देखना 10 घंटे सोते हो, यस सर, 10 घंटे को 30 से मल्टीप्लाई करो, 300 घंटे, 300 घंटे हो गए, ठीक है। 300 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 300 घंटे का मतलब आप ये लगा लो 24, अगर मैं डिवाइड करूंगा आप 30 दिन में से 12.5 दिन सोते हो नालायक, मतलब आप सिर्फ 18 दिन जागते हो एक महीने में, आपके 18 दिन का महीना है। इसको सर, थोड़ा कम थोड़ा हैं? सर थोड़ी सी लेजीनेस हो जाती है सर्दियों में। क्यों हो जाती है थोड़ा, क्यों लेजीनेस हो जाती है? जैसे अब नींद आ रही है, थोड़ा घूमो, पानी पियो, आंखों में छिट्टे मारो, तो क्यों लेजीनेस हो जाती है? चलो अब सुनो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपके ऊपर। सेक्शन याद करने का एक तरीका ये है, ठीक है, कि आपको जो जो डिडक्शन में सेक्शन है ना उसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। और मैंने क्लास के अंदर, अगर आपने मुझसे ली है नहीं तो कहीं से भी ली है, उन्होंने इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए होंगे कि ये सेक्शन डिडक्शन में इंपॉर्टेंट है, उसकी अलग लिस्ट बना लो, बाकी की अलग बना लो, अपनी रूम में सामने चिपका लो, जहां पे आप पढ़ते हो, किसी भी रूम में जहां पे आप पढ़ते हो वहां चिपका लो। और डेली एक काम करना है, मैं ये कह रहा हूं 50 सेक्शन मान लो उस चैप्टर में है, डेली आपको ना 5 सेक्शन पढ़ने हैं, सिर्फ 5, 5 से ऊपर नहीं, 5 से कम नहीं, 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, 10 दिन में खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि 5 अगर मैं डेली करूंगा 50 सेक्शन हो गए 10 दिन में, 30 दिन आपके पास हैं, आपकी 3 बार रिवीजन हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूं। 30 दिन के बाद ना आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपको कोई सेक्शन याद ही नहीं है। तो थोड़ा ना सेक्शन को याद करने का तरीका चेंज करो। आप प्रॉब्लम पता है क्या है, आप सारे एकदम याद करते हो। yes, सर जब कोई चीज याद नहीं होती ना उसको ब्रेक करना सीखो, कि आज मुझे सिर्फ 5 ही करने हैं, आप देख लेना 5 आपको याद हो जाएंगे। अगले दिन फिर 5 की सोचोगे ना, पिछले 5 भी याद होंगे और अगले 5 भी याद हो जाएंगे, इस तरह से आपको याद होंगे, ठीक है गुप्ता जी। अच्छा एक बात ध्यान देना, एग्जाम कितने कितने से कितने बजे तक है गुप्ता जी? सर एग्जाम सर 21 दिसंबर से है। नहीं नहीं टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग है सर सुबह की है। कितने? सर 9 बजे से। तो आप कैसे दोगे, उस टाइम तो सो रहे हो क्या? पहले से आप शेड्यूल चेंज करेंगे सर अपना। शेड्यूल कब से चेंज करोगे, 30 दिन तो रह गए नालायक। नहीं सर अभी से चेंज करेंगे। देखो वैशाली कह रही है 2 से 5 है, आप कह रहे 9 से 12 है, मैं को लग रहा था कि आप सोए हो अभी भी। गुप्ता जी क्या कर रहे हो यार, देखो उन्होंने सबने बच्चे कह रहे हैं 2 से 5 है, आप कह रहे 9 से 12 है, मेरे को लग ही रहा था कि आपने क्वेश्चन इनके अंदर पूछा है अभी। एक बार दोबारा याद करो, क्वेश्चन यही था? नहीं सर यही था। फिर ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके जी, चलो और कोई एक दो क्वेश्चन मैं और लूंगा बस, फिर आर का सेशन ओवर करेंगे। सर हाँ जी, तान्या, तान्या हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली सर मेरे 11 दिसंबर को मेरे भाई की शादी है, एंड सर मेरा शेड्यूल पूरा खराब हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम ये है कि मुझे अटेंड भी करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, शादी है, वाओ। 11 दिसंबर की है, एक्चुअली दिक्कत ये है एग्जाम्स पीक पे है और फिर कुछ भी नहीं है, तो टेंशन इस बात की कि वो दिन जाएंगे खराब। बस ये नहीं सोचना आपने वो दिन जाएंगे खराब, सबसे बड़ी बात आप मुझे बताओ, सगे भाई की शादी है, हाँ अटेंड करनी है, करनी पड़ेगी। ये क्या मतलब है नालायक करनी पड़ेगी, बोलो करनी है। हाँ करनी है। हाँ तो भाई है ना आपका? हाँ हाँ तो फिर करनी पड़ेगी, वो सुन तो नहीं रहा? नहीं, मैं उनको ऑडियो भेजूंगा नालायक। बच्चा कह रहा करनी पड़ेगी, आप ये बोलो कि सर मुझे भाई की शादी है, मुझे वो अटेंड करनी है, उसके अंदर मेरे 3 दिन लगेंगे, वेस्ट भी मत बोलो। हाँ लगेंगे हाँ, वेस्ट नहीं, आप सोच के बोलो, आपका भाई अगर बोले ये काम पे आपकी, मान लो जब आगे जाके फ्यूचर में शादी होगी, वो बोले यार 3 दिन जाना पड़ेगा मेरे को मेरी बहन की शादी में, कितना अजीब लगेगा आपको? यस सर। हाँ तो आप ये बोलो कि भाई की शादी है, उसमें 3 दिन लगेंगे, तो मुझे ना ये लग रहा है कि वो 3 दिन मैं कैसे करूँ अब। हाँ कवर कैसे होंगे? अब सुनना ध्यान से, अभी दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो? अभी सर एक्चुअली मेरा शेड्यूल ये रहता है कि सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ, 3:40 पे, 3:40 3:50 तक उठ जाती हूँ, अपना नॉर्मली गर्म पानी वगैरह पी के पढ़ने बैठ जाती हूँ, 4 से लेके लास्ट 8 बजे तक पढ़ लेती हूँ मैं, मतलब उसके बाद अपना जो ब्रेकफास्ट। टोटल कितने घंटे? टोटल कितने घंटे दिन में निकाल लेते हो? 10 या 12 आराम से। 10 या 12 निकाल लेते हो? हाँ। अब ध्यान सुना मेरी बात को, इट मीन 3 दिन में आपके 30 घंटे खराब होंगे।
हाँ खराब भी नहीं बोलूंगा, 30 घंटे आपके चले जाएंगे, हाँ ठीक है। अब देखो आप 11 दिसंबर की शादी है, आज 24 तारीख है, अगर 11 से लेके मैं 24 तारीख की बात करता हूँ तो बीच में मेरे ख्याल से 20 दिन आ रहे हैं। आपने एक सिंपल सा काम करना है, डेली आपने 1 घंटा बढ़ा देना पढ़ने में, ओके सिर्फ यही काम करना है, सिर्फ डेली 1 घंटा बढ़ाना है, चाहे वो रात को बढ़ाओ चाहे वो दिन का बढ़ाओ, जो आपने अभी अपनी एंटरटेनमेंट के लिए टाइम रखा हुआ है उसको थोड़ा सा कम करके उसको पढ़ने में लगा दो। अब ठीक मेरा है। सिंपल सी बात सुनना, अब देखो 20 दिन बीच में आ रहे हैं, डेली 1 घंटा भी लगाओगे 20 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। हाँ अरे 3 दिन की शादी में खूब नाचो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपने 20 घंटे पहले दे दिए हैं, तो होगा क्या कि वो 3 दिन स्ट्रेस नहीं होगा कि आपने टाइम वेस्ट किया, आपको ये लगेगा कि उसका मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। ओके और ये मत सोचना कि 3 दिन का जो गैप आएगा उसके अंदर मैं भूल जाऊंगी, वही अगर टेंशन है। नहीं 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 इट मीन्स आपको अपने माइंड में विश्वास नहीं है। फिर आप एक बात मैं सोच के बताओ, अगर ध्यान सुनना ध्यान सुनना, अगर आप 3 दिन मान लो रोटी ना खाओ तो क्या 4थे दिन रोटी भूल जाते हो क्या, मेरे को रोटी खानी है? नहीं 3 दिन अगर ध्यान सुना, 3 दिन अगर मान लो मैंने सेशन बीच में कहीं नहीं लिए, 3 दिन मैं 3 दिन का पिछले 10 दिन यूट्यूब पे नहीं आया, तो आप क्या अगर 11वें दिन आऊंगा आप मुझे भूल जाओगे विवेक सर कौन है? नहीं नहीं तो फिर आप कैसे कह बिल्कुल सकते हो नहीं। कि मैं, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे कह सकते हो कि मैं टॉपिक भूल जाऊंगी? ये माइंड थॉट से निकाल दो, सिर्फ आपने एक काम करना है, डेली 1 या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा देना है और वो 3 दिन फुल आपने एंजॉय करना है बिना माइंड में टेंशन लिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, ओके ठीक है तान्या? हाँ सर, सर एक डाउट और था सर। एक्चुअली मैं इनकम टैक्स की थ्योरी मुझे याद हो जाती है प्रॉपरली, बट प्रैक्टिकल में बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब नॉर्मली वो प्रैक्टिस करने पे जाते हो तो स्टार्टिंग में तो आ जाता है, जैसे नॉर्मली देखते हो उस टाइम तक तो आ जाता है, उसके बाद जब प्रैक्टिस कर जाते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, नहीं आता, फिर वापस स्टार्ट करते हो तो कुछ ना कुछ गैप आ ही जाता है उसमें। देखो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि जॉब जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो तो उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है, पहली बात तो उस प्रॉब्लम को लिखो कि आपसे प्रॉब्लम किस क्वेश्चन में हो रही है और वो कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर हो रही है, और क्या वो प्रॉब्लम एक बार हो रही है या हर क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कॉन्सेप्ट को ना दोबारा अच्छे से पढ़ो। मतलब घबराओ मत कि यार मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, मेरे से एग्जाम में कैसा होगा, हर चीज का ना सॉल्यूशन होता है। तो अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा उसको हाईलाइट करो, वो पॉइंट लिखो कि मुझसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ और ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का है, तुरंत वो कॉन्सेप्ट खोल के पहले दोबारा से पढ़ो, फिर दोबारा से वो क्वेश्चन करने की ट्राई करो, आप देख लेना आपका आंसर निकल जाएगा। ओके सर। एक्चुअली सर जीएसटी और कस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मली इनकम डायरेक्ट एसटी दिक्कत देता है बस। कुछ कोई भी दिक्कत नहीं देता, पहले तो ये माइंड से निकाल, थोड़ी ये बेकार थोड़ा ना निकाला करो कि ये दिक्कत देता है। आप अगर इनकम टैक्स को बोल रहे हो ना आई हेट यू, तभी वो बोलता है एग्जाम के अंदर आई हेट यू टू, जिस दिन से आप बोलोगे ना आई लव यू, आप देख लेना आपको आई लव यू टू बोलेगा, वो बोलेगा नहीं, आपका रिजल्ट दिखा देगा कि उसने लव यू टू बोल दी है, यस सर। ठीक है। तो थोड़ा सा ना हर एक देखने का नजरिया चेंज करो, हर एक चीज को गंदी नजर से मत देखो कि ये चीज तो गंदी है, याद ही नहीं होगी, बड़ा बोरिंग है, आप उसको बार बार बोरिंग 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 बोलोगे तो माइंड में बोरिंग ही बैठेगा ना, तो बस फिर याद ही नहीं होगा वो कभी भी आपको, ओके ओके ठीक है। हाँ थैंक यू सर। ओके जी चल सर एक क्वेश्चन मैं और मेरा दूंगा बस, साहिल हाँ जी लास्ट क्वेश्चन आपका। जी सर, मेरे LLB के एग्जाम 17 दिसंबर से है एंड CSK 20 से है, सो मैं सर जो एग्जाम्स क्लैश हो रहे हैं वो तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ कि 4 एग्जाम क्लैश नहीं हो रहे वो मैं दे दूँ, सो मैं कैसे कोप अप करूँ क्लैश हो रहे हैं दोनों एग्जाम? जो एग्जाम टाइमिंग क्लैश हो रही है या एक दिन में दो हैं? हाँ एक दिन में दो भी है, मतलब 21 22 नहीं नहीं उसके मतलब बाद से। जी टाइमिंग तो क्लैश नहीं हो रही। सर टाइमिंग भी क्लैश हो रहे हाँ हैं। टाइमिंग भी क्लैश हो रही है जी सर। हाँ फिर आप तो हमारे CSK 225 का और LLB के 325। हाँ फिर तो आपको देखो छोड़ने पड़ेंगे, और मैं तो ये बोलूंगा कि LLB के छोड़ो, आप क्या सोच रहे हो कि CSK छोड़ोगे? नहीं नहीं सर LLB के ही छोड़ने हैं, लेकिन जो एग्जाम्स पहले हैं जो क्लैश नहीं कर रहे हैं सर वो मैं कैसे दूँ, मतलब 4 पेपर देना है, LLB का भी सिलेबस काफी ज्यादा है, CS में भी एक ग्रुप देना देखो है तो। मेनली मेनली मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपना टाइम CS पे ज्यादा लगाओ, जितना आपका थोड़ा बहुत 1 2 घंटे आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा उसमें आप LLB की पढ़ाई करो, क्योंकि आपका मेन टारगेट जो है वो CS होना चाहिए, जी सर ठीक है ना?
आपका मेन टारगेट CSO, आपको अगर लगता है कि मैं 1-2 घंटे या 2 घंटे निकाल सकता हूँ LLB के लिए, उसका आप एक बार उसके लिए अलग से आप 2 घंटे बीच में निकाल लो और उसमें टाइम दे दो अपना LLB को, बट अपना CS वाला टाइम कट मत करो। सर रिवीजन में मैं सोच रहा हूँ जो लास्ट 5 दिन 2-7 दिन होते हैं रिवीजन के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, तो उस टाइम कैसे पॉप अप करूं कि भाई CS और LLB उस टाइम कैसे हैंडल करूं जो 17 18 19 20 मैं वही बता रहा हूँ, उस टाइम अपना नॉर्मल शेड्यूल अपना CS के अकॉर्डिंग बना के चलो कि मेरे को ये CS के लास्ट के 5 दिन में इतनी रिवीजन करनी है, ठीक है। मैंने बोला ना डेली आपने बस 1-1.5 घंटा देना है LLB को, क्योंकि ज़्यादा अगर स्ट्रेस लेवल LLB का भी साथ साथ लेके चलोगे तो CS के एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। आपको नॉर्मल CS का ही सोच के चलना है, आपको बस ये देखना है कि हाँ भाई जो मेरी 14 घंटे की पढ़ाई थी या मेरी 16 घंटे की पढ़ाई है, इस 16 घंटे में से मुझे लग रहा है कि भैया इतना टाइम मैं कट कर सकता हूँ जिसका मेरे CS पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतना टाइम कट करके LLB को दे दो। बट LLB को ये सोच के नहीं चलना कि यार मैं दोनों अगर साथ चलेंगे तो मेरे नहीं निकलेंगे या मैं वो कैसे करूंगा, नहीं 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 आपको बस ये देखना है कि मेरे को अपना CS पे पूरा टाइम लगाना है, एक्स्ट्रा टाइम जो होगा वो मैं LLB के ऊपर लगा दे दूंगा। ओके सो मतलब लास्ट डेज पे जब LLB के एग्जाम्स चल रहे होंगे तब मैं कैसे हैंडल करूंगा? LLB के एग्जाम चल रहे हैं, हां LLB के जब एग्जाम चल रहे होंगे तो अपना वही एग्जाम दो, एग्जाम से अपना देके वापस आओ, उस दिन थोड़ा 3-4 घंटे LLB का पढ़ लो, बट ऐसा नहीं है कि उस दिन आपको CS का नहीं पढ़ना, 2-3 घंटे CS पे भी उस दिन लगाओ, 2-3 घंटे उस दिन CS पे भी लगाओ, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि 4 दिन पूरा अपना गैप दे दो, 4 दिन पूरा कट कर दो, ये नहीं, मतलब डेली आपको 2-3 घंटे पढ़ने ही है CS के। ओके बस मेरा वही डाउट है, मतलब उस टाइम पूरा CS को कट ऑफ कर देना 4 दिन? नहीं 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 नहीं, बीच में 2-3 घंटे आपको जरूर देने चाहिए डेली। जी सर। सर एक और चीज सर, जो आपके 18 और 19 आवर्स के रिवीजन लेक्चर है ना सर, मैं 4 बार देख चुका हूँ एंड सर रियली ब्लड में एकदम इनकम टैक्स और GST आ चुका है सर, 4 बार देख ब्लड में आ चुका है। टैक्स टेस्ट कराया है लाल पैथ वालों से? अरे सर बिल्कुल, वो भी हैरान हो गए एकदम। अच्छा क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वैष्णवी का पहले मैं क्वेश्चन लूंगा, जबकि मेरे को नहीं लेना था, वैष्णवी बार बार कह रही है सर प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लो। वैष्णवी हाँ जी बोलो। हेलो सर, मैं CS एग्जीक्यूटिव की स्टूडेंट हूँ, न्यू सिलेबस की जी। मैंने दिसंबर में अटेम्प्ट दिया था सर, पर क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो मेरा तबीयत बहुत खराब है सर, मतलब मुझे बहुत सर दर्द होती है, जब भी वो हेडेक होती है वो खत्म ही नहीं होती सर, मतलब जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ती हूँ तो 1 घंटे में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद अचानक से मुझे हेडेक शुरू हो जाती है सर, मैं क्या करूं मुझे नहीं पता, मैं रिवाइज नहीं कर पाती, मैं दिन में 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाती इसकी वजह से। तो उसका एक सोल्यूशन है, थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करो। आपकी रूटीन क्या है, सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ सर, 5 बजे पढ़ना शुरू कर देती। नहीं 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 5 बजे उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो? 5:30 को मैं स्टार्ट कर देती हूँ पढ़ना। गलत है, आप 5 बजे उठो। देखो प्रॉब्लम क्या है, रूटीन हमारे दिन के अंदर बहुत मैटर करती है, ये जो हेडेक की प्रॉब्लम है या कुछ भी है ना, ये हमारी रूटीन बताती है कि रूटीन आपकी सही नहीं है। इसका मतलब आप 5 बजे जब उठते हो ना, तो आपका एक काम होना चाहिए कि आप 5 बजे उठो, जैसे मैं नॉर्मली बोला कि गर्म पानी पियो, फ्रेश होके आओ, और कम से कम आधा घंटा ना योग पे लगाओ, मतलब अलोम विलोम या कुछ भी, मतलब किसी भी तरह से आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है, चाहे वो डीप ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेशन तो बड़ी मुश्किल दिक्कत वाली बात है, उसमें लोग सो ही जाते हैं, तो वो इतना आसान भी नहीं है। मेनली आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, जो भी आपको बस कुछ भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये करो, बट आधा घंटा आपको बॉडी पे लगाना है, अपना शरीर पे लगाना है, चाहे वो वॉक करके आओ, बाहर पार्क में निकल जाओ, चाहे वो घर में बैठ के डीप ब्रीदिंग करो, चाहे वो लोम विलोम करो, कपालभाति करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, बट आधा घंटा आपको अपने शरीर पे लगाना है। ठीक है सर, ऐसा करके करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा सर? 100% सही हो जाएगा, अपने ऊपर बिलीव करो, ये 100% सही होगा। हेडेक की प्रॉब्लम तो आपको एक हफ्ते में रिजल्ट पता लग जाएगा कि डीप ब्रीदिंग से या योगा मतलब प्राणायाम करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपका दिन और बढ़िया। जो भी 4 घंटे का ना, आप मुझे दोबारा अगले हफ्ते खुद बोलोगे सर अब मैं 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ पा रही हूँ। ओके सर, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी, कल से ही ट्राई करना है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, छाया आप कल की, छाया आपका बोलो, क्या है आप बोलो। सर हमारा ये प्रॉब्लम है सर, जैसे हम अदर कोई सब्जेक्ट लेते हैं ना, उसमें तो हमें रिटन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि सब माइंड में होता है, जल्दी से दिख जाता है, लेकिन जब ओपन बुक उठाते हैं ना। आराम से, मैं आराम से यही बैठा हूँ, अभी जा नहीं रहा। हाँ जी सर, नहीं सर 12 बज गए तो हमें लगा। कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन पूरा लेके जाऊंगा। हाँ जी
ओके सर, सर वो ओपन बुक एग्जाम उठाते हैं ना, जैसे कि एमडीसीएस हुआ या फिर कोई इलेक्टिव पेपर हुआ, सर उसे देखकर लिखना होता है तो उसमें ज्यादा टाइम चला जाता है। और सर मैं तो ये होता है माइंड से लिखना होता है, जो भी आया लिख दिया, उसमें ये भी नहीं कि तुम्हें मतलब एकदम अच्छा लिखना है बुक वाला, लेकिन उसमें बुक से लिखना होता है तो प्रॉब्लम आती है। तो आप कह रहे हो कि उसका क्या करें? हाँ सर, देखो उसका तो सोल्यूशन एक ही है कि जो आपका ओपन बुक वाला पेपर है ना, होता क्या है नॉर्मली वो बच्चा ना बुक्स पढ़ के ही नहीं जाता, बिल्कुल पढ़ के जाता ही नहीं है, वो तो उसको कहता है कि ओपन बुक है वहां बुक लेके जाऊंगा। नहीं सर, नहीं मैं एक नोट्स बता रहा बनाए हमने। हाँ देखो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं ना, अगर आपने यस नोट्स सर, बनाए हैं उसका आपको पूरा ओवरव्यू पता है कि इस पेपर के अंदर क्या है, तो यस आप सर, जब एग्जाम के अंदर बैठोगे ना, जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम ये तो क्लिक करेगा कि ये आपका किस चैप्टर का है, हाँ सर वो तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा ना, पता लग जाएगा ना किस कॉन्सेप्ट का है। हाँ सर, तो उस कॉन्सेप्ट पे आने के बाद जब आप वहां पे देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आपको टाइम नहीं लगेगा। देखो या तो क्या करो, आप इसको ओपन बुक मत समझो, घर से पढ़ के जाओ सारा। बट सर वो तो फिर ना लैंग्वेज अपनी हो जाएगी, और उधर एग्जामिनर को भी पता है कि ओपन बुक है तो वो चाहेगा कि मतलब नहीं नहीं लैंग्वेज नहीं थोड़ी नहीं नहीं एग्जैक्ट। नहीं ये तो ये आपकी गलत सोच है कि ओपन बुक का मतलब यह है कि वो आप उसको देख के ही लिखना है या उसकी लैंग्वेज ही लिखनी है, ये चीज नहीं होती। ओपन बुक का मतलब ये होता है कि आप बुक खोल के उसमें से देख सकते हो, अच्छा सर, ठीक मुझे है। लगा सर जो लैंग्वेज अलग हो जाती है ना ये स्टूडेंट को नहीं नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि एक बात बताओ, कई बार ऐसी केस स्टडी आती है, कई बार हमें बुक में मिलती नहीं है, वो अलग अलग जगह होती है वो, हाँ सर, हाँ तो सर इसका वो तो मतलब हो ये थोड़ा है जाता कि आप उसकी लैंग्वेज वही बिल्कुल लिख के आओगे, है, नहीं सर, ठीक है ना। तो कभी ये मत सोचना कि अगर आपने ओपन बुक के अंदर अपनी लैंग्वेज अपनी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ आपने जो लिखा है उसका सॉल्यूशन वही बनना चाहिए जो बुक का आंसर बता रहा है। हाँ सर वो तो हो जाएगा, हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि आपको एक एक लाइन वो चिपका के आनी है। ओपन बुक का मतलब ये होता है कि आपको जब प्रॉब्लम आए बुक खोल के आप देख सकते हो। ओके सर, ओपन बुक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको बुक में से कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल वही डिट्टो लैंग्वेज लिख के आनी है। ओके सर, तो सर मतलब फिर तो सब रिटेन है, मतलब कि जो हमने मतलब कि जो इलेक्टिव पेपर था उसमें आईबीसी लिया था, तो जो हमारा सेकंड ग्रुप में है तो मुझे वो भी याद है, और एमडीसीएस में तो ये है कि सारे लॉज हैं तो वो लॉ हमारे सब ऊपर ही क्लियर हो गए थे, तो उनका भी सारे प्रोविजन तो सर पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है। हाँ, बस ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ओके सर, थैंक यू सर, ओके जी, चलो जी, तो फिर अपना कल 11 बजे एक बार दोबारा मिलूंगा मैं। इसकी मीटिंग आईडी जो होगी कल की, आज शाम तक मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। और अपना फ्राइडे के लिए डाउट्स इकट्ठे कर लो, फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए जो भी आपके डाउट्स हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे हम आपके डाउट्स लेंगे, रिविजन करेंगे, और एग्जीक्यूटिव का अलग सेशन होगा, प्रोफेशनल का अलग होगा, वो मैं अपना यूट्यूब पे बता दूंगा। और बाकी जो भी आपकी और प्रॉब्लम्स आपको लगते हैं कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो कल फिर 11 बजे आपने मुझसे पूछनी है। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे, आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। Thank you.